हम लोग समझने के लिए ऐसा करते हैं कि कुछ वर्ष साथ में रह लेंगे, और एक क्योंकि एक गलत फैसला जो है कई जिंदगी बर्बाद कर सकता है, और नहीं पटी या नहीं अगर बनी उससे आपस में, तो तलाक से बेहतर विकल्प है कि हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। भारत में चोरी छिपे लिव इन रिलेशनशिप का प्रश्न रहा है, पहले भी रहा है और अभी भी है, लेकिन ये विशेषकर शहरी क्षेत्रों में है, क्योंकि जो बाकी संबंध है वो लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत, मेरा मानना है कि वो सब नहीं आते हैं, वो सब अवैध संबंधों के अंतर्गत आते रहे हैं। हाल ही के वर्षों में जो जिसके बारे में मैंने कहा कि तथाकथित जो प्रगतिशील लोग हैं उन्होंने ऐसे लोकप्रियता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, मेरी समझ से इस तरह के संबंध में रहने से कुछ फायदा नहीं है। अस्थिरता पारिवारिक वैवाहिक जीवन की अस्थिरता जो है बड़ी खतरनाक होती है, और इसका जो दुष्प्रभाव है वो बच्चों पर भी साफ पड़ता हुआ देखा जा सकता है। समाज की अस्वीकृति होती है, समाज से तिरस्कार मिलता है, जैसा मैंने कहा कि भारतीय समाज एक विशेष अलग तरह का समाज है जिसमें हम लोग पूरे समाज में इस तरह से घुले मिले होते हैं, क्योंकि सब लोगों की नजर रहती है, अगर इस प्रकार के संबंधों की स्थापना करते हैं तो परिस्थिति जो है वो अन्य हो जाती है, और संबंध टूटने पर महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई तरह से बदनामी हुआ करती है। मेट्रो शहरों के लिए हम देखें तो वहां पे लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले सामान्यतः पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन वहां पे पाए जाते हैं, क्योंकि शहरों की एक अलग तरह की विशेषताएं हुआ करती है, प्रगतिशील जीवन शैली होती है, वो विलासपूर्ण जीवन शैली होती है। परिवार से अगर संबंध ठीक ना हो या कोई मतलब नहीं हो या किसी कारण से शादी नहीं कर पा रहे हो, जैसे लोग इस ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, बड़े शहरों में कोई व्यक्तिगत जिंदगी में झांकने ताकने वाला भी नहीं होता है, और शहर की यही विशेषता इस तरह के संबंधों की स्थापना का आधार बनती है। अब तो लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट करने की एजेंसियां तक आ गई हैं, मैरिज ब्यूरो की तरह मैंने देखा कि मुंबई में और यहाँ कुछ स्थानों पर देखा कि लिव इन संबंधों हेतु सुविधाएं प्रस्तुत हो रही हैं। तो भारतीय समाज में अब इस तरह से धीरे 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 ये बढ़ रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से हम समाज शास्त्रियों को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि इसके पीछे कौन से कारण हैं जिसके कारण लिव इन रिलेशनशिप जैसा संबंध बढ़ रहा है। जो इसके पक्षधर हैं, जो ऐसा तर्क देते हैं, खास करके जो महिलाएं हैं, वो बोलती हैं कि इसमें फ्री बर्न है, जैसे पश्चिम में आप सोच रहे हैं लोग वैसे यहाँ कि फ्री बर्न है, किसी प्रकार का उन पर प्रतिबंध नहीं होता है, वे अपनी तरह से जीवन जी सकती हैं तथा अपनी आइडेंटिटी को बनाए रख सकती हैं, उनके लोग कोई सोशल ऑब्लिगेशंस भी नहीं होता है, सभी मुक्त होती हैं, केवल अपने लिए ही और या अपने पार्टनर के लिए जिम्मेवार होती हैं। आइडेंटिटी का से भी वो मुक्त होती है, ऐसा उनका मानना है, और उसमें उनका यह भी मानना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, ये तर्क ये लोग देते हैं। इस प्रकार के ये तर्क जो है बहुत, मेरा यह मानना है कि बहुत जायज नहीं है। जो कुछ भी हो, मेरा मानना है कि ऐसे संबंध जो है सामाजिक नैतिक दृष्टि से निंदनीय है, ऐसे लोग स्थापित व्यवस्था विरोधी है, समाज के प्रति दायित्व से भागने वाले हैं, तथा यौन आकर्षण यौन सुख के जीवन कर सकते हैं। समाज आने वाले हजार वर्षों में ऐसे संबंधों को मान्यता नहीं देगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि भारतीय समाज की व्यवस्था एक विशेष प्रकार की है और जो हमारी संस्थाएं हैं वो बहुत मजबूत है और उनके पीछे बहुत सारे आधार हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी विशेषताएं समाज विश्व के जीवन में समाज है और के साथ ही साथ सारी सुरक्षा की जो व्यवस्था है उपलब्ध है, लेकिन फिर जो सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था जो राजकीय तरफ होती है, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था तो परिवार द्वारा होती है, दोनों में जमीन आसमान अंतर बढ़ता है। हमारे देश जैसे व्यवस्था अभी उतनी सुदृढ़ नहीं है, सक्षम नहीं है, उनके सामने गंभीर चुनौती है कि वो किस प्रकार से अपने लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें। तो चुप ना यार, चुप ना, थोड़ा मेगा इधर मैं गलती कर दिया। जो वृद्धों के साथ जो स्थिति है, आज आप देख रहे होंगे हमारे देश में परिस्थान लोगों के साथ जो व्यवहार की जो घटनाएं हैं वो तेजी से बढ़ी है, और उसमें आप परिवर्तन भी पा रहे होंगे, क्योंकि पॉपुलेशन एजिंग हो रही है, और पॉपुलेशन एजिंग होने के कारण समाज में हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिन वृद्धों की देखभाल परिवार में होती थी वो परिवार टूट रहे हैं। तो अगर ये परिवार की व्यवस्था टूट रही है, इसके टूटने का मुख्य कारण यह है जो मैंने आपके सामने उल्लेख किया कि औद्योगिक काम नगरीकरण सामने आई, तो उसके कारण हमारी संस्थाओं पर प्रभाव पड़ा, और इन संस्थाओं और
तेजी से बढ़ी है और उसमें आपके साथ परिवर्तन होना, वो परिवर्तन जिम्मेदार है लिविंग रिलेशनशिप जैसे संबंधों को बनाने के लिए। और मैंने इसके अनेक कारणों का पहले उल्लेख किया है कि सामान्यतः कौन लोग लिविंग रिलेशनशिप में जाते हैं या लिविंग रिलेशनशिप को रखते हैं अपने साथ, कि एक निश्चित उम्र के बाद उनका परिवार उनका उनके वैवाहिक जीवन को बनाने के लिए संलग्न हो जाता है और फिर वो विवाह के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मुझको लगता है कि इसके संपूर्ण पक्षों को मैंने इसकी विवाह की पृष्ठभूमि के संदर्भ में और जो नया आर्थिक परिवर्तन हो रहा है जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया चल रही है जिसमें कि कंज्यूमरिज्म और कंज्यूमरिस्ट कल्चर की बात आ रही है और जिस तरह से हमारे मेट्रो शहर का विकास हो गया है जिसमें अब कोई देखने ताकने वाला नहीं है, सब आदमियों की व्यक्तिगत जिंदगी अनुकूल माहौल पैदा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आज सवेरे मैं उसका मुझे आप वो जो है वो गायब ही हो गया, हार्डवेयर प्रॉब्लम या प्रॉब्लम है, यही मानना है आपकी है मेरा यकना है कि इस प्रकार के संबंध जो है वो 10 बजे वहाँ का 10 बजे उनसे लैपटॉप लाया उसमें इंस्टॉल किया सब जो मजबूत अभी चालू हुआ है मतलब और समय के सही समय उसके जिंदगी में वो दूसरा लिंक वो कर रही थी वो ना डेमो जो करने के लिए अपन दिए थे ना अग्रवाल सर धन्यवाद धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सर ने अपने इस मुख्य वक्तव्य में लिव इन रिलेशनशिप के सभी पहलुओं को छुआ। लिव इन रिलेशनशिप के कारण प्रभाव हमारे भारतीय सामाजिक व्यवस्था की जो संरचना है उस पर विश्वास प्रकट करते हुए हमें आगे इसके कारण प्रभाव आदि को भी समझने जानने के लिए सचेत करते हुए बहुत ही सारगर्भित अपना उद्बोधन हमारे सामने प्रस्तुत किया। मैं सर का सादर धन्यवाद करते हुए अब मैं हमारे इस टॉपिक के लीगल एक्सपर्ट मैडम डॉक्टर फौजिया मिर्जा जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर में, उनका संक्षिप्त परिचय आपने पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से LLB की उपाधि न केवल प्रावीण्य सूची में बल्कि प्रावीण्य सूची में गोल्ड मेडलिस्ट रहते हुए प्राप्त की। आप वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की एडिशनल एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट में है। आप सन 2009 से 2014 तक भारत सरकार की सॉलिसिटर असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल रही हैं। आप हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ की कमेटी फॉर मॉनिटरिंग द मीडिएशन सेंटर की मीडिएटर रही हैं। आपने दुर्ग डिस्ट्रिक्ट रायपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सहित 26 वर्षों तक की आपका लंबा प्रैक्टिस का अनुभव रहा है। इसमें हाई कोर्ट बिलासपुर में 17 साल से आप जुड़े हुए हैं। आपने जाने माने क्रिमिनल लायर सैयद अफजल अहमद रिजवी के सानिध्य में प्रैक्टिस किया है ही है और आप सिविल क्रिमिनल लेबर लॉ सर्विस लॉ आदि विभिन्न जो कानूनी मुद्दे हैं उसके विशेषज्ञ हैं। आपको पहले हमने सरोगेट मदर हुड पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था। आप किसी भी सब्जेक्ट के कानूनी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए सादर ही प्रस्तुत रहती हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज उपस्थित हैं आप। आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूं मैडम फौजिया मिर्जा। नमस्कार सब लोगों को। मैं आप लोगों की इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स की बहुत शुक्रगुजार हूं कि लिव इन रिलेशनशिप जैसे एक ज्वलंत विषय पर मुझे उसका विधिक पहलू प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया
और इतने सारे विद्वान वक्ताओं को बुलाया गया जिनको मुझे सुनने का गौरव हासिल होगा। जोशी जी, गौराहा जी, ये सारे लोगों को मैंने पहले भी सुन चुका है, बहुत विद्वान वक्ता हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कहीं तक इनके करीब पहुंच सकूं, ताकि आप लोगों को जो विधिक पहलू है उससे इंट्रोड्यूस करा सकूं। मेरा मानना है अग्रवाल साहब कि समाज और कानून एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। सामाजिक संस्कृति एवं परिवेश में यदि कोई ऐसी विषय वस्तु आती है सामने जिसे समाज सामान्य तौर पर स्वीकार करने में सहज नहीं हो पाता, उस विषय वस्तु को आप अपने बौद्धिक ज्ञान और तर्क के तहत और उन सारी परिस्थितियों को जोड़कर उन स्थितियों को समाज समाहित कर लेता है और यही समाज के लचीलेपन को उजागर करता है। ये इसी तरह का ही एक विषय है लिव इन रिलेशनशिप, जो कई तरह पे सामाजिक स्तर पर और न्यायालय स्तर पर कई तरह के निर्णय आए हैं और कई सामाजिक परिवेश में इस लिविंग रिलेशनशिप को अनैतिक रूप में भी देखा गया है, एक सामाजिक बुराई भी के तौर पे भी देखा गया है। लेकिन जो समाज में साम्य का सिद्धांत है जिसे अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी कहते हैं, जो सभी को जीवन जीने की सुरक्षा उनको संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों के तहत उस विषय पर निर्णय पारित करके अपना मत व्यक्त किया है न्यायालय ने, और लिव इन रिलेशनशिप डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी का एक ज्वलंत उदाहरण है। लिव इन रिलेशनशिप को अगर हम अंग्रेजी में कहा जाए तो उसे सामान्य शब्दों में कहा जाएगा कोहैबिटेशन, जिसका हिंदी में अर्थ होगा सहवास। अगर आप इसे सामान्य रूप में समझने के लिए अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो किसी भी दो व्यस्क पुरुष स्त्री या दो व्यस्क व्यक्तियों का अगर एक साथ निवासरत होने को सहवास कहा जाएगा। मैं किन किन रिलेशनशिप को कानूनी अधिकार मिलेंगे उसको मैं थोड़ी देर के बाद आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन अगर दो व्यक्ति एक साथ निवासरत रहते हैं तो वो सहवासरत हैं और कोहैबिटेट हैं और उनको उनका रिलेशनशिप एक ही छत पे है, ये ऐसा कहा जाता है। अब लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसी व्यवस्था है जो दो लोगों को बिना वैवाहिक सूत्र में बांधे एक साथ रहने का अधिकार और सुविधा प्रदान करती है। ये संबंध दो व्यक्तियों के बीच भावनात्मक भी हो सकते हैं और शारीरिक भी हो सकते हैं। जहां तक सहवास का संबंध है, पक्षकारों को एक ही छत के नीचे अगर पति पत्नी के रूप में रहते हैं तो इसी पर ही लिव इन रिलेशनशिप आधारित है। दो युवक तथा युवती या बगैर शादी के दो व्यस्क युवक और युवती बगैर शादी से स्वेच्छा के साथ अगर एक दूसरे के साथ रिश्ते में बंधे होकर रहते हैं तो इसे हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के जो गाइडलाइंस है वो जोशी जी ने जो कहा है इंद्र शर्मा में फ्रेम की थी, लेकिन उससे पहले भी कई बार कहा है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी अपने उद्बोधन में आगे। तो ये जो लिव इन रिलेशनशिप है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? जैसे जोशी जी ने कहा है कि ये उनका कहना है कि ये पाश्चात्य की देन है, पर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कि लिव इन रिलेशनशिप का जो ये वर्ड है ये जरूर पाश्चात्य सभ्यता का देन है, लेकिन इस तरह की कई प्रथाएं हमारे समाज में काफी अरसे से चली आ रही हैं। अगर हम घोटुल प्रथा देखेंगे जो हमारे आदिवासी में या बस्तर क्षेत्र में जो होती है, वो भी शादी से पहले एक जगह रहते हैं, वो भी एक लिव इन रिलेशनशिप का एक फॉर्म कहलाया जाएगा। या फिर सिंदूर प्रथा मान लिया जाए, या फिर अगर हम इसको चूड़ी प्रथा के साथ देखा जाएगा जो सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उसके इंग्रेडिएंट में नहीं आती। सेक्शन 5 और सेक्शन 7 जो हिंदू मैरिज एक्ट है, जो सेक्शन 7 में कहा जाता है कि अगर आप सप्तपदी के तहत या जो हिंदू कस्टम और रिचुअल हैं उनके तहत अगर आपकी शादी होती है तभी वो एक वैधानिक शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मानी जाएगी, ये इसके तहत नहीं आता। लेकिन इसको भी हम एक लिव इन रिलेशनशिप का फॉर्म माना जा सकता है। इसको जो नई युवा पीढ़ी है
वो इस प्रकार के रिश्तों को विवाह से पूर्व बनाए रखने के लिए काफी उसको सुविधाजनक समझते हैं ये, क्योंकि विवाह के निर्णय के लिए उन्हें अपने दाम्पत्य जीवन के जो उनके सहयोगी हैं उसको इस तरह की रिलेशनशिप में समझने में सुविधा महसूस होती है। वर्तमान युवा जो पीढ़ी है वो सारे वर्किंग होते हैं, ये जो पार्टनरशिप है ये इनकी वर्किंग पार्टनरशिप भी हो सकती है, उनके पास शायद विवाह के आडंबरों के लिए विशेष समय का अभाव होता होगा, या अपने पार्टनर को समझने के लिए वो इस तरह के रिलेशनशिप में रहने के लिए वो एक अच्छा माध्यम समझते हो। यहाँ पे मुझे इस बात की ये भी बताना मुझे बहुत आवश्यक होता है कि ये जो रिलेवेंट रिलेशनशिप है इसमें इन सारी परिस्थितियों में घर परिवार और माता पिता का हस्तक्षेप नहीं होता है या बहुत ही कम हस्तक्षेप होता है, और इन पक्षकारों पर उनका हस्तक्षेप नहीं होता है तो उनका ऐसा अनुमान है कि उनका जो आगामी जीवन है वो इस वजह से सुरक्षित और सुविधाजनक होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि परेशानियां उन इस रिलेशनशिप में भी कानूनी तौर पे भी उनको आती हैं, और इस प्रकार के रिश्तों में सावधानी बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा किसी भी एक पक्ष को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर पक्षकारों के मध्य शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं तो ऐसी स्थिति में जो स्त्रियों की शारीरिक संरचना है उसके लिए उसके आधार पर ये रिश्ता कभी कभी परेशानी का सबब भी बन सकता है। अगर भविष्य में उनका विवाह ना हो पाने की स्थिति संभावना भी आ जाती है, या अगर संतान की उत्पत्ति होती है तो उसका भविष्य भी संकटमय होने की संभावना होती है। तो लिव इन रिलेशनशिप में जहाँ एक और अच्छाई दिखती है तो उसके उसके साथ इसकी बुराइयाँ भी हैं, और जिस तरह से हर इफेक्ट का साइड इफेक्ट होता है उस तरह से लिव इन रिलेशनशिप का भी एक साइड इफेक्ट होता है। अगर ये रिश्ता बहुत लंबे समय तक चलता है और उनके भीतर अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, या आप कह सकें कि रिश्तों में संवेदना बनी रहती है, तो फिर ये रिश्ता चलता रहता है। लेकिन अगर कभी इन रिश्तों में डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, मतभेद आ जाता है, तो फिर कानूनी अधिकार क्या होते हैं उसके लिए उनको न्यायिक शरण में जाना पड़ता है। और अगर ये रिश्ता मात्र अगर आप ये सोचें कि ये सिर्फ शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है, तो अगर ये रिश्ते बनाए जाते हैं तो किसी भी एक पक्ष को, जो मेरा जो इतना वकालत का अनुभव है उसके तहत मुझे ऐसा लगता है जो स्त्री पक्ष है उसको खामियाजा ज़्यादा भुगतना पड़ता है। ये मेरा अपना व्यू है, मैंने जो इतने केसेस देखे हैं उसमें मुझे लगता है। अब अगर हम जो लिव इन रिलेशनशिप है उसके अगर हम सिद्धांत को समझते हैं और या उसकी आप अगर संकल्पना को समझते हैं तो वो सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर है। जो न्यायालय में जो जितने भी डिसीशंस पारित होते हैं वो सामाजिक न्याय के तहत ही पारित किए जाते हैं, और समाज में हर शादी की हर संस्कृति की अलग मान्यताएं हैं, अलग उसके रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, और अगर किसी भी रिलेशनशिप के द्वारा इन धारणाओं को इन सामाजिक प्रथाओं को चुनौती दी जाती है तो समाज को उसको स्वीकार करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। कभी कभी समाज इसको तिरस्कृत भी करता है, कभी कभी समाज आक्रोशित भी हो जाता है इन रिलेशनशिप के को देखते हुए। तो अगर इन रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना है समाज की आपको मूल अवधारणा से हटकर, तो दोनों पक्ष तो उसको सॉल्व किया है वो देखेंगे, जो मैं आपको बताऊंगी जो जजमेंट्स है उसमें आपको ये लगेगा कि ये लिव इन रिलेशनशिप क्योंकि डिफाइन नहीं हुआ सर, इसलिए सारे जो न्यायालय द्वारा जो लास्ट में अच्छा हुआ सर, और इसलिए मुझे बहुत ये आवश्यक लगता है, जैसे सरोगेट मदरहुड पर भी मैंने बताया था पहले कि इस तरह की जब समाज में प्रचलन जो बहुत सारी जो रिलेशनशिप या इस तरह की जो दौर प्रचलित होते हैं उसके लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट, इसलिए ताकि जो पक्षकार हैं उनको शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए। बहुत दिक्कत है सब लिव इन रिलेशनशिप में, वैसे तो अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आयु की कोई संबंधी बाध्यता नहीं है, लेकिन अगर लिव इन रिलेशनशिप में है और वो व्यस्तता प्राप्त करके लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो उसमें बहुत सरलता होती है, क्योंकि यदि आप
कम उम्र में पक्षकार लिव इन रिलेशनशिप में दंडात्मक कार्रवाई का भागीदार होना पड़ता है। 318 बता रहा है। कोई भी अगर मान लीजिए किसी भी अवस के महिला के साथ स्वेच्छा से ही लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसके पालक या उसके माता पिता इंडियन पीनल कोड के तहत दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा इंडियन पीनल कोड है वो मेजॉरिटी से पहले जो लीगल गार्जियनशिप है उसको माता पिता को माना गया है। तो अगर बगैर परमिशन के कोई अवयस्क स्त्री या माइनर स्त्री के साथ रहता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। लिव इन रिलेशनशिप को 1928 में प्रीवी काउंसिल ने मोहब्बत खान में डिफाइन किया गया था। उसमें 1928 में प्रीवी काउंसिल का रिलेशनशिप को प्रीवी काउंसिल ने लिव इन रिलेशनशिप को इस तरह बताया गया था कि अगर कोई मेजर स्त्री स्वेच्छा से बहुत दिनों तक पति पत्नी की तरह रहते हैं तो वो विवाह की प्रकृति के रहना है उसको आप डीम्ड विवाह माना गया और उनको ये पति पत्नी का समाज में दर्जा दिया गया। सारे जो न्यायिक सिद्धांत है असल में फिर उसके बाद 1988 में 1988 में यमुना बाई में ये हुआ था कि अगर कोई विवाहित पुरुष होती है तो उसको 125 का मेंटेनेंस के वो अधिकारिणी नहीं, क्योंकि यमुना बाई के केस में यमुना बाई का रिलेशनशिप एक विवाहित और उसने फिर 125 का मेंटेनेंस का एप्लीकेशन लगाई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि अगर जानते बूझते कोई स्त्री विवाहित पुरुष के साथ संबंध रखती है तो वैधानिक तो पत्नी मानी ही नहीं जाती, इसलिए उसको मेंटेनेंस का अधिकार नहीं दिया जाता। इसी तरह 2000 रविता बाई सोमा बाई का एक जजमेंट आया था जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये माना था कि लेकिन जो उससे उत्पन्न जो बच्चे हैं 2010 में चुनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र आया, चुनमुनिया के जो हस्बैंड की डेथ के बाद उनके कस्टम्स में जो एक सिंदूर प्रथा चल रही थी उस सिंदूर प्रथा के तहत उसके छोटे भाई के साथ चुनमुनिया के हस्बैंड के छोटे भाई के साथ चुनमुनिया का विवाह सिंदूर प्रथा के तहत कराया गया और चुनमुनिया के साथ कुछ दिन वो रहा लेकिन उसके बाद उसने भत्ता देने से इनकार कर दिया। चुनमुनिया फिर न्यायालय की शरण में गई तो फिर बहुत जब उच्चतम न्यायालय में ये मामला आया तो उसमें ये कहा गया कि अगर कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ काफी लंबे समय से रह रही है तो उसे वैवाहिक नेचर की मान्यता दी गई और उसमें ये कहा गया कि यहाँ पे मैरिज का प्रिजम्पशन आ जाएगा और भले ही वो संबंध जो पहले एक अवैध रूप से स्थापित किया गया था लेकिन समय के साथ उसे वैधता प्रदान की गई क्योंकि समाज में पति और पत्नी की तरह इतने साल से वो रह रहे थे वो लोग और इसके उसको फिर पत्नी का दर्जा देते हुए 125 का मेंटेनेंस उसको दिया गया। तुलसा वर्सेस दुर्गतिया ये भी लॉन्ग कोहैबिटेशन को बहुत साल एक साथ रहने के वजह से इसको लॉ ने प्रिज्यूम किया कि ये एक मैरिज लाइक रिलेशनशिप है। चुनमुनिया में जो सेक्शन 2F जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में डिफाइन किया गया था उसके दायरे को बहुत वृहद मानकर इसको लार्जर बेंच में रेफर किया गया था चुनमुनिया के मैटर को। टी वेलुस्वामी में भी 125(1)(b) में जो 2010 का ही एक रिलेशनशिप है उसमें भी विवाह जैसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को विवाह जैसे संबंधों में मानते हुए उसको 125 का मेंटेनेंस दिया गया था और डी वेलुस्वामी में पहली बार कुछ गाइडलाइंस फ्रेम की गई और उसमें ये कहा गया कि अगर समाज किसी वयस्क पुरुष और स्त्री को जो बहुत अरसे से एक साथ रह रहे हैं उनको पति पत्नी की तरह देखता है और वो लीगल एज टू मैरी में के हिसाब से है और वो पति पत्नी की तरह रह रहे हैं तो उनको उनको अधिकार दिए जा सकते हैं। जैसा कि जोशी जी ने इंद्र शर्मा का जो जजमेंट जिसको लीगल एस्पेक्ट में पहली बार
जोशी जी ने जो बताया, मैं उसको और डिफाइन करती हूँ कि किस तरह लीगल रिलेशनशिप को की गाइडलाइंस घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत लाते हुए माननीय न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने पहली बार ये इंदिरा शर्मा को 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पे पहली बार गाइडलाइन जारी की और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यक्त किया कि बालिग लड़का या लड़की शादी के बगैर अपनी मर्जी से पारिवारिक या वैवाहिक जीवन जी सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत इनको अधिकार भी प्राप्त हो सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप को घरेलू हिंसा के दायरे में लाते हुए महिलाओं को की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें वो गाइडलाइंस फ्रेम की जो धारा 2F के तहत एक विशिष्ट समय में अगर कोई स्त्री पुरुष एक साथ, और ये जो समय है विशेष समय, वो केस टू केस निर्भर रहेगा। ये नहीं कि एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड आपको दे दिया गया है उसके तहत आपको इतना ही अरसा, जब तक आप उस टाइम पीरियड में नहीं रहेंगे उसके बाद आपका लिव इन रिलेशनशिप का कानूनी अधिकार नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं कहा गया। ये केस टू केस डिफर करेगा और परिस्थितियों के हिसाब से डिफर करेगा। और इसी तरह उसमें शेयर्ड हाउस होल्ड, अगर कोई 2S के तहत घरेलू हिंसा अधिनियम में शेयर्ड हाउस होल्ड में अगर कोई वयस्क पुरुष और स्त्री रहते हैं एक ही छत के नीचे, और जोशी जी ने इसको बताया भी है कि फाइनेंशियल उनका एक रिलेशनशिप होना चाहिए। यूट्यूब में देखिए सर, आप फाइनेंशियल रिलेशनशिप कैसा होगा कि आपके बैंक अकाउंट ज्वाइंट नेम में हो या फिर आपके बिजनेस में शेयर हो, जो ये सारी चीजों को किस आधार पे लिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये आपका लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप को बताता है। अगर आप जॉइंट अकाउंट रखते हैं या बिजनेस में शेयर रखते हैं तो ये आपके इंटेंशन को, ये इस कंडक्ट के द्वारा आपके लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप डिफाइन होते हैं। हाँ सर। और जो समाज में घरेलू जो संरचना है कि पति जाके कमाएगा और पत्नी घर का ख्याल रखेगी, घर का अपने बच्चों का ख्याल रखेगी घर का, अगर इस तरह भी अगर आपकी जो संरचना है ये भी है तो जो अरेंजमेंट है आपके उस हिसाब से भी आपका कंडक्ट शो करेगा कि आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं। और अगर आपके पास अगर शारीरिक संबंध है तो अगर बच्चे हैं उस शारीरिक संबंध से तो ये आपके लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप को आपके अधिकार प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। और अगर समाज में मान लीजिए एक घर में आपको एक स्त्री पुरुष रह रहे हैं और पड़ोसियों को सब पता है कि ये स्त्री पुरुष हैं और ये पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, हाँ, तो भले ही उनकी शादी ना भी हुई हो लेकिन कानून उनको अधिक उस महिला को अधिकार देगा कि वो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केस एप्लीकेशन फाइल कर सकती है और अभी अपने अधिकार के लिए कानून का दरवाजा खटखटा सकती है। क्योंकि ऐसे सब रिलेशनशिप में फुल हो गया है ना 100 महिला की सुरक्षा पर जब न्यायालय निर्णय दिए गए तो उसको महिला की सुरक्षा को ज्यादा ध्यान दिया गया ताकि इस लिव इन रिलेशनशिप पर के दौरान अगर कोई महिला को सिर्फ 5 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 फ्रेम किया गया जिसके अंतर्गत महिलाओं को उनके अधिकार जो घर की चार दीवारी में रहते हुए अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस में अगर उनके साथ किया जाता है तो इसके अंतर्गत उनको सुरक्षा दी गई, उनको सुरक्षा प्रदान की गई है, उनको अधिकार दिया गया। और इस सारे इनएक्शन लेजिस्लेशन को फ्रेम करते हुए महिला की सुरक्षा को बहुत ध्यान दिया गया और सेक्शन 12 के तहत महिला अपने इसके अंतर्गत अपने संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी माना गया। इसी में अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि नंद कुमार वर्सेस केरला जो 2018 में एक जजमेंट आया उसमें हालांकि एक अलग इशू था, उसमें इशू ये था कि जो लड़का था पुरुष था वो अवयस्क था, वो मैरिजेबल एज का नहीं था लेकिन जो स्त्री थी
वो मैरिजेबल एज की थी, तो हालांकि उसके लीगैलिटी, उस मैरिज के लीगैलिटी के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई मत नहीं पारित किया, लेकिन ये कहा गया कि इसको आप लिव इन रिलेशनशिप के दौर को माना के तहत, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी के तहत इसको उसमें इस साथ जो अवयस्क पुरुष है और वयस्क स्त्री है उसको साथ रहने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उसमें नंदलाल में वो 21 साल का की उम्र को प्राप्त नहीं हुआ था जो मैरिजेबल एज है हमारे यहाँ जो डिफाइन की गई है, उसमें उसको वो नहीं था, और महिला जरूर व्यस्क थी, तो कानूनी जामा एक पहना दिया गया कि वो लिव इन रिलेशनशिप के तहत ही इस तरह के रिलेशनशिप को वैवाहिक कल्पना से इसे देख कर जोड़ा गया, और इन संबंध को चले आओ या चले जाओ वाले सिद्धांत से अलग हटा के देखा गया। भारत माता वर्सेस विजया रंगनाथन में भी मुकदमे में इस मुकदमे में ये उच्चतम न्यायालय का मत था कि रिलेशनशिप से उत्पन्न जो बच्चा है, क्योंकि जो बच्चा है वो कभी इलेजिटिमेट नहीं होता, उसको जायदाद पर उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था। हालांकि हिंदू पूर्वजों की जो वो पार्सनरी प्रॉपर्टी है, सहदाई की जायदाद है, उस पर बच्चे का अधिकार नहीं होता, लेकिन पिता की कमाई हुई जो प्रॉपर्टी है उस पर पिता बच्चे का, क्योंकि बच्चे को इलेजिटिमेट नहीं माना गया, उस पर पूरा उनका अधिकार होता है। जो इंदिरा शर्मा में जो गाइडलाइंस फ्रेम की गई उसमें ये क्लियर तौर पर फ्रेम किया गया कि एक अविवाहित पुरुष और विवाहित एक अविवाहित स्त्री अगर एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो उसको कानूनिक वैधानिकता दी जाती है, अगर एक विवाहित पुरुष के साथ एक अविवाहित स्त्री जानते बूझते एक विवाहित पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है तो उसको कानूनी अधिकार उस तरह से प्राप्त नहीं होंगे जो एक अविवाहित स्त्री को होते हैं, क्योंकि माना गया है कि इस तरह से वो एक विवाहित पुरुष की जो उसकी वैधानिक पत्नी है उसके अधिकारों का हनन कर रही है। तो कोर्ट ने इसको अगर जानते बूझते किया है तो एक ऐसा आईना होता है जो सामाजिक ताने बाने को सही या गलत बताता है, क्योंकि मुझे लगता है समाज और कानून एक दूसरे के पूरक है, ये मेरा मानना है। समाज की कुरूतियों को सुधारने के लिए कानून बनाए जाते हैं और समाज एक व्यवस्था प्रदान करने के लिए कानून की उत्पत्ति हुई है। हम जो सारी जो प्रथा है वो अगर बहुत लंबे समय पर अगर प्रचलित रहते हैं तो वो एक कानून का जामा पहन लेते हैं, कानून का रूप धारण कर लेते हैं, हमेशा जुड़ा रहता है। इसीलिए जो कानून का संबंध है वो हर व्यक्ति के और समाज के पर भी निश्चित होता है। बहुत बड़े दार्शनिक हैं मोंटेस्क्यो, रॉस्को पॉन्ड, ये बहुत बड़े दार्शनिक विचारक हैं, इनका ये कहना है कि जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जो सारी कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो हमारे सामाजिक कार्यों से प्रभावशील होता है। समाज स्टैग्नेंट नहीं होता, समाज बदलता जाता है, तो कुरीतियों को भी मान्यता नहीं देता, जो फैली हुई कुरीतियां हैं उनको मान्यता नहीं देता और वो सुधार की ओर प्रगतिशील होता है, ये समाज का एक साहस होता है। तो इस समाज में जो सारी मान्यताएं और कुरीतियां होती हैं वो समय के साथ अपने से होता है, तो उसको कानून बनाया जाता है, उसको देखते हुए कानून बनाया जाता है। और इसी तरह मतलब ये जो लिव इन रिलेशनशिप जो नया प्रचलन समाज में आया है उसको अगर आप उनको देखेंगे तो समाज में भी अब समय के साथ उसकी धारणाओं में भी परिवर्तन आ रहा है। हालांकि एज सच लिव इन रिलेशनशिप पे अभी कोई कानून नहीं है, कोई व्याख्या नहीं है, और ये हम डोमेस्टिक मेनली हम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन ऑन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत लेते हैं या 125 का की मदद लेते हुए 376 की मदद लेते हुए 354 की मदद लेते हुए इनको कानूनी अधिकार दिए जाते हैं,
लेकिन अभी ऐसी कोई व्याख्या या अधिनियम अभी उपलब्ध नहीं है। हम मात्र न्यायालय या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो व्याख्या व्यवस्थाएं दी गई हैं, जिसके तहत ये लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है, उसी को ही समाज ने एक तरह से उसको अब आत्मसात कर लिया गया है। और मेरा ये मानना है, क्योंकि इससे समाज अच्छी तरह से उसको अपनाने में अभी भी समाज को बहुत परेशानी है हमारी सामाजिक संरचना को देखते हुए, इसलिए इसमें कानून बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अधिकार देने के लिए समाज में कानून बनाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब भी अधिकारों का हनन होता है तो कानून का दरवाज़ा लोग खटखटाते हैं। और अगर कानून का कानूनी उपचार ऐसे aggrieved persons के लिए हो नहीं आ रहे, तो इसके लिए कानून बनाना बहुत जरूरी है। हमारी जो लेजिस्लेशन है उसको हमारे नए जो अभी नए जो प्रचलन में आ रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप है, उनकी उनके अधिकारों को बनाने के लिए उनके एक ऐसी व्यवस्था पर करनी पड़ेगी, एक व्यवस्था का सृजन करना पड़ेगा जो इनके अधिकार दिए जाएं, कानूनन उनके अधिकार दिए जाएं, तब हमको किसी और स्टैट्यूट की मदद ना लेने पड़ी। और इस तरह मैं अपने उद्बोधन को यहीं समाप्त करती हूं। और मैंने कोशिश की है कि जिस तरह से कानूनी आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन करना हो कि किस विषय में इस विषय में हमको क्या मदद मिल सकती है, तो मैं इसके लिए वो हूँ। कोशिश की है कि अपनी तरह से आप लोगों को इसका सारा कानूनी पहलू समझा सकूं, पता नहीं कामयाब हुई हूँ कि नहीं, लेकिन जी प्लीज़ आप बोलिए। हाँ बोलिए जी। नमस्ते मैडम, मैं प्रोफेसर साधना, नमस्कार, प्रोफेसर साधना खरे हूँ, मैं कोरबा से बोल रही हूँ। जी बोलिए। बहुत अच्छा लेक्चर था, रियली आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत मजा आया। लेकिन मेरे को एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ मैडम जी, बोलिए, कि आपने जैसे बताया कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए कि अनमैरिड लड़का और लड़की का ठीक है और मैरिड और उसका मैरिड नहीं है, मैरिड आदमी है और लड़की एलिजिबल। मैंने अमेरिका में देखा है वहाँ जैसे जो लेस्बियन है या गे भी है तो वो जैसे साथ साथ रहते हैं, पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आज में हम भी सामान ले रहे हैं, वो लोग भी सामान ले रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंख से देखा वहाँ ऐसा गे और लेस्बियन का ज्यादा वो नहीं है। क्या उन लोगों का जो साथ रहना है वो अपने को मालूम है, वो अलग टॉपिक है, ये चीज मैं भी जान रही हूँ, तो क्या उनके रिलेशनशिप को भी अपन लोग लिव इन रिलेशनशिप कह सकते हैं, उनके जो साथ रहने की जो है कि वो उसके दायरे में नहीं आता, एक चीज में जाना। इसको इंदिरा शर्मा में डिफाइन किया है 2013 इंदिरा शर्मा में। इसको देखिए, समलैंगिकता को भले ही अपराध नहीं माना है, लेकिन इससे कोई अधिकार नहीं प्रदान किया गया है उस पर, उसको आपराधिक श्रेणी से हमारे जो नया कानून आया है नास फाउंडेशन और उसके बाद जो सारा उसका कानून आया है उसमें उसको आपराधिक श्रेणी से हटा जरूर दिया गया है, लेकिन समलैंगिकों को कानूनी अधिकार नहीं प्रदान किया गया। इसीलिए जो इंदिरा शर्मा में, क्योंकि अभी कोई कानून नहीं बना है मैडम, तो जब तक कानून नहीं बनता गाइडलाइंस फ्रेम होती हैं, चाहे आप विशाखा ले लीजिए जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, जब तक कानून नहीं बनता तब तक जो माननीय उच्चतम न्यायालय है वो एक गाइडलाइंस फ्रेम कर सकता है। और इंदिरा शर्मा में इसी गाइडलाइंस के तहत ये बताया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप एक वयस्क पुरुष और एक वयस्क महिला के बीच जरूर आता है, लेकिन वयस्क पुरुष का वयस्क पुरुष के साथ अगर कोई संबंध है तो उसको लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा, और अगर कोई वयस्क स्त्री का किसी वयस्क स्त्री के साथ संबंध है तो भी उसको लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। तो उसको कोई कानूनी अधिकार नहीं दिया गया है मैडम, अपराध नहीं है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार जी। अग्रवाल साहब, अगर किसी को कुछ और पूछना है या कोई कानूनी क्वेरी किसी को है तो मैं जरूर बताने के लिए तैयार हूं अभी। सबके माइक शायद म्यूट है। मैडम, हेलो मैडम, जी बोलिए, जी बोलिए, कौन जी बोलिए। मैं डॉक्टर सुचित्रा शर्मा छत्तीसगढ़ से हूँ। जी मैडम, आपका लेक्चर, हाँ मैडम आपका लेक्चर तो बहुत ही वाकई बहुत अच्छा था, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिस पे काफी चर्चाएं हैं, और मेरे को लगता है अभी भी हमारा इंडियन मेंटल जो स्टेटस है वो अभी भी इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है।
तो अगर एक कोई कानून बनता है, मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अप्रत्यक्ष रूप से हम उस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं जो नहीं होना चाहिए, जिससे हमारी सामाजिक संरचनात्मक व्यवस्था, हमारी जो परिवार और विवाह की व्यवस्था है, उसके पीछे निश्चित रूप से हमारे मनुष्यों का कोई सार्थक उद्देश्य रहा होगा, है ना। लेकिन आज की स्थिति में क्या हुआ है, ये ठीक है मॉडर्निटी है, ये अच्छी बात है, एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है कि इस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं हमारे समाज में, जो हमारे समाज की संरचनात्मक व्यवस्था के लिए खतरा है, ऐसा मैं मान रही हूँ। ठीक है, अगर आपने बहुत सुंदर ढंग से इसको बताया कि इसकी व्याख्या भी की, वो भी ठीक है, पर मैडम एक चीज आप ये चीज बताइए कि कानूनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक नागरिक होने के नाते उसको अधिकार है कि वो अपने जीवन को अपने ढंग से जी सकता है, है ना। लेकिन अगर कहीं ना कहीं पर अगर हम अपनी युवा पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ी को अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह का सपोर्ट देते हैं, तो क्या हम अपनी व्यवस्था के लिए कोई खतरा उत्पन्न कर रहे हैं? मैं आपको उसको एक दूसरे नजरिए से देखने को कहती हूँ। देखिए, हमारा जो संविधान है, जो आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 है, ये हर इंसान को अपने तौर तरीके से जीने की आजादी देता है। ये आपकी नजर में, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सही है गलत है, क्योंकि मुझे लगता है सही और गलत का फैसला ये एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकता है, हर चीज में एक ग्रे शेड जरूर रहता है। तो मेरा ये मतलब जो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हर आदमी को अपनी तरह से जीने का अधिकार, ये आपकी नजर में, अगर मैं अगर लिव इन रिलेशनशिप में बगैर विवाह के किसी पुरुष के साथ रह रही हूँ, तो किसी आपकी नजर में या अग्रवाल साहब की नजर में या मैडम की नजर में, किसी के भी नजर में गलत हो सकता है, लेकिन वो मेरी नजर में गलत नहीं है। और अगर वो मेरी नजर में गलत नहीं है तो संविधान उसको संरक्षा प्रदान करता है। जिस तरह से बोलने की आजादी है मैडम, वैसे ही हमारे समाज, हमारे संविधान में जीने की आजादी, और जीने की आजादी के तहत लिव इन रिलेशन। अब देखिए मैडम, कुछ मैं आपको एक जैसे हमारे समाज में बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे कास्ट हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं। अब जैसे अगर हिंदू मुसलमान है, तो हमारा जो समाज है हिंदू मुसलमान की शादी को उतना एक्सेप्ट, हालांकि अभी एक्सेप्ट होने लगी है, लेकिन नहीं करता। और अगर मान लीजिए कोई हिंदू स्त्री है या हिंदू महिला, मुस्लिम महिला है, वो किसी हिंदू पुरुष से या वैसा वर्षा शादी करती है और उनको अपना मजहब नहीं बदलना है, तो शादी तो हो नहीं सकती ना, क्योंकि सेक्शन 7 के तहत आपको शादी करने के लिए सेक्शन 5 के इंग्रेडिएंट दो हिंदू होना चाहिए और फिर दो व्यक्ति आपको मैं मजहब माने, और वो अगर देने की जरूरत है, उसको क्यों नहीं आजादी दी जा सकती कि वो दोनों अपने हिसाब से रहें। भले वो उनको पति पत्नी के तौर पर समाज देखेगा, लेकिन वो शादी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि स्पेशल मैरिज एक्ट जरूर है, लेकिन उनको नहीं करना है, उनको रहना है साथ में, तो हम उनकी आजादी को उनसे कैसे छीन सकते हैं मैडम? ये एक इंडिविजुअल व्यू है, क्या गलत है क्या सही है। आजकल का जो हमारा समाज है, जो हमारा सोचने समझने का नजरिया, हम सब यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं और भी दुनिया में पढ़े लिखे, ये उनकी अपनी सोच है, इनको गलत और सही के तराजू में आप और मैं नहीं सोच समझ, हमारे लिए निश्चित तौर पे ये सामाजिक तौर पे आपको लगता हो कि ये गलत है, लेकिन उनकी नजरों में ये सही है। तो अगर उनकी नजरों में सही है, तो हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि वो जैसी मर्जी चाहे रहे। हाँ ठीक है, नहीं अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि एक इंडिविजुअल को लेकर उसे भी जीने का अधिकार है, तो दैट्स ये ठीक है पॉइंट कि वो कर सकते हैं और वो एक्सेप्टेबल होगा। बस ये कि हमारा समाज का जो पेट है ना, वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसको, अदरवाइज चेंजेस बदलता है मैडम, समाज बदलता है, समाज परिवर्तन। सुचित्रा मैडम आप ठीक कह रहे हैं, अपने इंडियन सोसाइटी में अभी अपन इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप अमेरिका में गूगल में देखिए, माइक्रोसॉफ्ट में देखिए, लेस्बियन है, फुल मैनेजर बनी हुई है, मेरी बेटी की टीम में खुद लेस्बियन है और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं बिल्कुल खुले दिल से सब लोग, वहाँ कोई बुराई नहीं करता है, वहाँ पे अनुकरण कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, भले वो खराब है चाहे अपना समाज अलग चीजों से देख रहा है, कानून का दृष्टिकोण अलग है, समाज का दृष्टिकोण अलग है। हेलो दोनों में करना हो। हेलो नमस्कार,
हेलो, प्रणाम सर, मैं अक्षय भारद्वाज हूँ भोपाल से। मैं मेरा एक प्रश्न था कि जैसे जब बच्चे रहते हैं वो 12वीं कक्षा पास कर लेते हैं और उसके उपरांत जैसे ही वो कॉलेज में आते हैं तो उनकी उम्र लगभग 16 से 18 के बीच में रहती है, तो वो जब वहां पर जाते हैं और जाने के बाद वो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू करते हैं, तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा संविधान हमें हक नहीं देता कि हम 18 से पहले किसी की शादी करें, जैसे संविधान में ये नियम बनाया हुआ है, तो हम अपने बच्चों को जो हमारी मतलब हमारे बच्चे हैं उन्हें हम कैसे ये अधिकार दे दें कि वो 18 साल से पहले ये निर्णय ले ले कि मैं इस व्यक्ति के साथ रहूंगी। और मैंने मतलब अपने खुद में अभी MA द्वितीय वर्ष में हूँ, तो मैं देखता हूँ बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो ऐसे रह रहे हैं और उनके उनके परिवार वालों को भी नहीं पता रहता परंतु वो रह रहे हैं। तो एक स्वतंत्रता की भी एक सीमा रहती है कि एक नियम रहता है कि स्वतंत्रता का दायरा है, आजादी का मतलब ये नहीं है कि आजादी जो वो नियम बनाया गया संविधान के अंतर्गत कि 18 से पहले शादी नहीं होनी चाहिए, तो वो ये निर्णय कैसे ले सकते हैं कि हम दोनों एक साथ रह लेंगे 18 से पहले, तो कहीं ना कहीं ये फिर द्वंद पैदा होता है इस चीज में, तो इसका क्या निवारण हो सकता है? को बताऊं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि 16 से 18 साल की उम्र में अगर रह रहे हैं तो उनको हम रहने दिया जा सकता है, तो ये हमारा जो कानून है वो इसको मान्यता नहीं देता। वयस्क 18 साल के बाद ही होते हैं। मैं मैरिजेबल एज एज पर सेक्शन 5 नहीं बोल रही हूँ, जहाँ पर 18 साल की लड़की होना चाहिए और 21 साल का लड़का, ये मैरिज के प्रावधान, लेकिन 18 साल के बाद हमारा जो देश का कानून है वो उसको मेजर मानता है और उसको अपने डिसीशंस लेने की स्वतंत्रता देता है। तो 16 से 18 के बीच में वो नहीं रह सकते, लेकिन 18 साल के बाद ज़रूर रह सकते हैं जब वो मेजॉरिटी अटेन कर सकें। 16 से 18 में मान लीजिए अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ रह रही है तो 16 से 18 साल में उसको अवयस्क माना जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई उसके माता पिता दूसरे लड़के के लिए कर सकते हैं, और जिससे जेल भी जाना पड़ेगा आपको, जो पॉक्सो एक्ट है वो 16 से 18 की लड़की के बीच में लागू होता है और उससे जेल भी जा सकता है लड़का जो अवयस्क लड़की के साथ रहता है। तो 18 के बाद ही आप अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। और मैम मेरा एक प्रश्न और था कि जैसा कि नियम बना दिया गया है 18 साल के बाद कोई भी रह सकता है, परंतु हम एक मनोवैज्ञानिक तौर पे देखें तो कई लोग बहुत कम उम्र में मतलब ज्यादा उम्र के हो जाते हैं परंतु उनकी बौद्धिक क्षमता उतनी नहीं रहती, वो पता चला 21-24 में जाने के बाद भी वो 16 साल के बच्चे की तरह सोच रहे हैं, तो मैम तब इसके लिए हमारे संविधान ने जो बनाया है तो इसमें कुछ संशोधन नहीं हो सकता क्या कि हम जो कोई परीक्षण लें कि जिस हिसाब से वो रह रहे हैं, कि क्योंकि मैम ऐसे तो कोई 25 साल का रह रहा है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है कि जो अब आप इसको कैसे तोलेंगे ये बताइए, इसको कैलिब्रेट या गेज करने के लिए आपके पास ये मापदंड, 24 साल का आदमी 16 साल के बच्चे की तरह सोच रहा है, इसका मापदंड क्या होगा इसको कैसे बताएंगे आप, क्योंकि इसको आप मेजरमेंट करके नाप तो सकते नहीं है बौद्धिक क्षमता को। IQ के लेवल पे आप भले ही कुछ कर सकते हैं लेकिन IQ का भी आपका इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए कोई मापदंड नहीं है। तो ये 24 साल का आदमी अगर 16 साल की तरह सोच रहा है, इसको मेजर करने के लिए जब तक मापदंड नहीं होगा इसको कानूनी जामा मेरी नजर में नहीं पहनाया जा सकता। हेलो, हेलो जी मैम, धन्यवाद मैम, में कम है काफी। ठीक है, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। नमस्कार, आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है और मेरे ख्याल से जितने भी प्रतिभागी हैं उन्होंने बहुत ध्यान से आपको सुना है और आपने जो बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं पर जो प्रकाश डाला है वो निश्चित रूप से हमको एक बहुत बड़ी सीख देता है। सबसे बड़ी बात तो आपने कही कि अभी इसके ऊपर कोई कानून ही नहीं बना है, हम दूसरे कानूनों के माध्यम से हम इसको डील करते हैं लिव इन रिलेशनशिप को। दूसरी बात मैडम, आपने इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पर भी बहुत शानदार तरीके से अपने विचार रखे हैं। आपने जो एक महत्वपूर्ण बात कही कि इसमें ज्यादा खामियाजा जो है वो महिलाओं को भुगतना पड़ता है,
ये भी एक बहुत मार्केबल बात है और निश्चित रूप से हमारे सारे प्रतिभागी आपको बार बार सुनना चाहेंगे और मैं कोई ऐसा नया टॉपिक लेके आऊंगा फिर आपको मैं याद करूंगा मैडम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे इतने सारे विद्वान वक्ताओं के समक्ष रखा। महेश जी आगे बढ़िए। थैंक यू मैडम। थैंक यू। डॉक्टर महेश पांडे सर। हेलो। सर आगे बढ़िए। मैडम ने बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन हमारे समक्ष रखा। आपने शुरुआत ही की कि समाज और कानून सिक्के के दो पहलू हैं और आपने सहवास चूड़ी प्रथा सिंदूर प्रथा होटल सिस्टम इन सबका उदाहरण देते हुए इसको आगे बढ़ाया समझाया। ना केवल इतना ही बल्कि आपने विभिन्न जो लीडिंग केसेस हैं उन केसेस का उदाहरण दे करके हमारे इस टॉपिक पर प्रकाश डाला। आपने ये भी बताया जैसा अग्रवाल सर ने अभी चर्चा की किसके संदर्भ में कोई स्पष्ट कानून नहीं है और हम विभिन्न कानूनों की सहायता से इसको डील करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, आगे इसको एक रूप देते हैं। आपने इस दिशा में अपनी चिंता भी व्यक्त की कि समाज में विभिन्न जो विचलन है उन विचलन के लिए भविष्य में एक कड़े अच्छे कानून की आवश्यकता है। आपका बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन रहा मैडम। आपको धन्यवाद करते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगा। इसके लिए मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर मनु गौरहा जो कि समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से हैं उन्हें सादर आमंत्रित करना चाहूँगा। मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। डॉक्टर मनु गौरहा आपने सागर विश्वविद्यालय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री प्रवीणता के साथ उत्तीर्ण की। ना केवल प्रवीणता बल्कि स्नातकोत्तर कक्षा में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं आप और आपने मुस्लिम और ईसाई समाज में जाति व्यवस्था पर पीएचडी किया 2008 में। आप 2004 से ही शिक्षकीय कार्य में जुड़े हुए हैं एवं 2007 से विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग से संबद्ध है। डेढ़ दशक के अपने इस शिक्षकीय कार्य में आपने विभिन्न स्तरीय जो शोध पत्रिकाएं हैं उनमें शोध आलेख शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। आप विभिन्न देश उपलब्धियों के दौर पर विभिन्न व्याख्यान दिए हैं। आप को समाज विज्ञान के क्षेत्र में विशेष लेखन कार्य के लिए युवा रूप में अलंकृत किया गया था। अभी वर्तमान में आप विभिन्न पुस्तकों के लेखन में लगे हुए हैं और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के समाज कार्य विभाग से आप जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर मनु गौरहा को सादर आमंत्रित करता हूँ। सर बहुत धन्यवाद पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे सर, आपने मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें कही। ये वेब कार्यशाला के आयोजन और वो भी बड़े दंत विषय पर आप लोगों ने आयोजन किया है उसमें मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय प्राचार्य महोदया डॉक्टर ज्योति रानी सिंह मैडम का। इस कार्यशाला में बीच वक्तव्य से हम लोगों को अकादमिक रूप से जागरूक करने के लिए आभार है प्रोफेसर अरविंद जोशी सर का। साथ में चेंजिंग पैटर्न ऑफ सोशल सिस्टम लिव इन रिलेशनशिप पर वैधानिक पक्ष हम लोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आभार डॉक्टर फौजिया मिर्जा मैडम का। आप दोनों को पूर्व में भी
सुनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। साथ में मैं स्कूल में ही आभार देना चाहता हूँ डॉक्टर उषा किरण मैडम का, जो आप ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हैं इस कार्यशाला के, कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को समाज के समक्ष उस समय विचार के लिए प्रस्तुत किया जब समाज में इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही प्रचंड रूप से हमने देखने को मिलती है, अभी उजागर उतनी नहीं हुई है। ये मैं ऐसा कहूंगा इसे कि हमें पानी की व्यवस्था तो पहले कर लेनी चाहिए, जब प्यास लगती है तो कुआं नहीं खोदा जाता। संभवतः यही प्रक्रिया आपने, इसी विचारधारा से शायद आप प्रेरित होकर आप लोगों ने ये कार्यशाला का आयोजन किया है। और मैं पूर्व में ही अभिवादन करना चाहता हूं और सारे श्रोतागण का, मैं अपना जो विचार अभिव्यक्त करूंगा, मुझे समाजशास्त्री दृष्टिकोण में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है इस पक्ष को, मैं अपने विचार प्रस्तुत करूंगा सहवासी संबंध की समाजशास्त्री समीक्षा, इस टाइटल, इस शीर्षक के अंतर्गत। मैं आभार फौजिया मैडम का भी हूं, क्योंकि आपने जो अभी अपने पूर्व में आपने ही अपने विचार अभिव्यक्त किए थे, जिसमें आपने लिविंग रिलेशनशिप को आपने कोहैबिटिंग रिलेशनशिप कहा था, और मैंने पहले से इसे सहवासी संबंध किया था, जिससे मुझे आसानी ये हुई कि मुझे उसे समझाने में अब समय की आवश्यकता नहीं लगेगी, आपने पहले ही उसे समझा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर हम लिविंग रिलेशनशिप की बात करते हैं या सहवासी संबंध की बात करते हैं, तो विवाह के रूप में सहवासी संबंध कोई नया नाम नहीं है। अगर हम विवाह के इतिहास में, अगर हम लिव इन रिलेशनशिप का की प्रक्रिया का उल्लेख देखें, स्वाभाविक है टर्मिनोलॉजी नामावली तो नहीं देखने को मिलेगी, पर प्रक्रिया का उल्लेख करें तो कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी स्वरूप में अनेक जगह, एक नहीं अनेक जगह हमें मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे, जो मोबाइल ऐसा माना जाता है कि विश्व के लगभग 8 प्रचलित वर वधु प्राप्त करने के प्रकार में से एक है मैरिज बाय प्रोबेशन, परिवीक्षा द्वारा विवाह। ये परिवीक्षा द्वारा विवाह क्या है, वनवासी समूह में अमूमन देखा गया है कि इस प्रकार के माध्यम से विवाह का उल्लेख हमें मिलता है। भारत में मणिपुर की कुकी जनजाति में यह विवाह का स्वीकृत प्रकार है। अगर हम इसकी परिभाषा देखना चाहें, अगर हम देखना चाहें कि कैसे होता है, तो इसमें बताया गया है कि परिवीक्षा द्वारा एक साथी को प्राप्त करने में लड़की के, यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं इसकी उल्लेख समाजशास्त्री व्याख्या बाद में करूंगा, लड़की के माता पिता की सहमति के अलावा लड़कियों की सहमति भी आवश्यक है। मतलब, क्योंकि फौजिया मिर्जा मैडम ने भी घोटुल परंपरा की बात करी थी कि सहमति बन है, इस विवाह में लड़का लड़की के घर जाता है, ये सब अनुमति के बाद, जाने के बाद वहां सेवा करता है, क्योंकि इसे हम दूसरे स्वरूप में मैरिज बाय ट्रायल भी कहते हैं, पर उसका अलग स्वरूप है, इसलिए समाजशास्त्री दृष्टि से दोनों अलग अलग है, पर हाँ कहीं ना कहीं गैर समाजशास्त्री तरीके से देखा जाए तो मैरिज बाय ट्रायल भी कहते हैं, पर वो दोनों अलग हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि लड़का वहां पे सेवा देता है, और अगर उस सेवा भाव से लड़की प्रसन्न होती है, और उससे महत्वपूर्ण बात, लड़का लड़की के माँ बाप प्रसन्न होते हैं, तो फिर दोनों परिवार मिलके, फिर से अंडरलाइनिंग वर्ड है, दोनों परिवार मिलके तय करते हैं कि इन दोनों का विवाह कर दिया जाएगा। ठीक है ना, ये है। और उसके बाद इतना ही नहीं है, ये तो परंपराएं हैं कि विवाह एक क्या कहते हैं कि नॉर्म्स है, नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी है, इंस्टीट्यूशन है ये। हम किस प्रकार से विवाह करेंगे वो हमारे वैल्यू पे निर्भर करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी वैल्यू का महत्व है, मूल्य का महत्व है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि गुड़ का आदान प्रदान होता है, एक प्रकार से माना जाता है कि मुंह मीठा हो गया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया संबंधों को। वैल्यू सिस्टम कि विवाह होना आवश्यक है, किस प्रकार से हम इस विवाह की परंपरा में, विवाह के संस्था में प्रवेश करेंगे वो महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो विवाह के विकास में के चरण में समाज ने इस प्रथा को अब नकार दिया है। मोर्गन ने भी जब विवाह की चर्चा करी थी
उन्होंने रक्त संबंधी आपसी विवाह से शुरुआत करके सिग्निसेमियन मैरिज की बात किया था, उन्होंने कॉन्सेंटिनस की मैरिज की बात की थी, उन्होंने समूह की भी बात करी थी। उसके बाद आते आते उन्होंने कहा था कि कालांतर में वर्तमान में जो विवाह का स्वरूप है वह एकल विवाह का स्वरूप है, सीरियल मोनोगैमी, एक स्त्री एक समय में एक ही पुरुष के साथ विवाह करेगी। तो विवाह तो आज के स्वरूप में एकल है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और लिव इन रिलेशनशिप में भी एकल विवाह की धारणा है, इसमें भी कोई दुराग्रह नहीं है। बस अंतर यहाँ पे आ रहा है माध्यम और अंत, परिणाम जिसे हम कहते हैं, प्रक्रिया और परिणाम में अंतर है, ठीक है ना। यह एक प्रक्रिया है लिव इन रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो परंपरागत समाजों में, और विवाह एक परिणाम है, अंत है, तो हमें उसी पक्ष को ज्यादा देखना है, ठीक है। और आइए मतलब नहीं है तो पूरा माइंड सेशन हो गया। अगर हम देखें विवाह की अगर परिभाषा देखा जाए, इसमें भी महत्वपूर्ण इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि जब एडवर्ड वेस्टरमार्क ने विवाह की परिभाषा दी थी, मुझे सभी सुन पा रहे हैं मुझे क्योंकि दूसरों की आवाज है। तिवारी मैडम माइक बंद कीजिएगा अपना, धन्यवाद। तिवारी सर, सर तिवारी, महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब वेस्टरमार्क ने विवाह की परिभाषा दी थी 1891 में अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन में, अ मोर और लेस ड्यूरेबल कनेक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल लास्टिंग बियॉन्ड द एक्ट ऑफ प्रोपोगेशन टिल आफ्टर द बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब सिर्फ वहीं तक नहीं है कि हम बच्चे उत्पन्न करें, ये तो जानवर भी करते हैं, उसके बाद की भी बात करी थी उन्होंने, सहचर की बात की थी, तब उन्होंने कुल मिला के विवाह में एक स्थायी संबंध की बात करी थी। परंतु देखिएगा कैसे स्वरूप बदला, उन्होंने अपनी जब अगली पुस्तक लिखी 1936 में, तब तक विदेशों में विवाह के स्वरूप बदल चुके थे, जब उन्होंने द फ्यूचर ऑफ मैरिज इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करी थी, तो उन्होंने फिर इस पक्ष को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया था। बस उन्होंने यही लिखा था कि पेशन इन वन और टू मैन टू वन और टू वुमेन, क्योंकि उस समय पाश्चात्य जगत में इस प्रकार के संबंध की स्थापना हो चुकी थी, इस कारण से वन और टू मैन और वन और टू वुमेन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कस्टम और लॉ ऑफ द सोसाइटी, उस समाज के द्वारा स्वीकृत स्त्री और पुरुष के रहने की व्यवस्था को उन्होंने परिवर्तित करके बहुत ही डाइल्यूट के उन्होंने परिभाषा दे दी, कि परिवार की परिभाषा भी बड़े स्वरूप बदलता रहा। समाजशास्त्र में ही हम देख रहे हैं क्योंकि वेस्टरमार्क एक बड़ा स्तंभ माना जाता है विवाह को लेकर। फिर अभी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लिव इन रिलेशनशिप आ गया। ये लिव इन रिलेशनशिप क्या है, वैसे तो बात किया गया है पर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, छोटा सा एक परिभाषा देना चाहता हूं कि कानूनी परिभाषा है ये, जीवन जीने की एक व्यवस्था जिसके तहत अविवाहित रहने वाले जोड़े विवाह के समान ही लंबे समय तक संबंध बनाए रखने के साथ रहते हैं। मतलब कुल मिला के उनमें भी एक तथाकथित तौर पे, तथाकथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लिखित अनुबंध नहीं होता है, तथाकथित तौर पे एक अनुबंध हुआ है कि वे रिलेटिवली सापेक्षित रूप से स्थाई रूप से स्थाई संबंध स्थापित करेंगे। इसमें वो सारे संबंध आते हैं क्योंकि हम जब विवाह की बात करते हैं तो विवाह में मानते हैं कि ये एक सोशल सैंक्शन है सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए। ये विवाह जो है उसे माना जाता है कि ये सामाजिक मान्यता प्रदान करता है क्या कहते हैं कि शारीरिक संबंध को बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं उसमें क्योंकि शारीरिक संबंध की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं समाज उसे यहाँ पे सोशल लॉ और लीगल लॉ दोनों के में थोड़ा सा अंतर होगा कि सोशल सोसाइटी चाहती है कि समाज चाहता है कि ये संबंध हमें स्थायित्व प्रदान करे। ये तो इन्होंने एक भेद किया था जिसको मैं दो लाइनों में बताना चाहता हूँ, रिलेशनशिप ऑफ मैरिज और रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, विवाह के प्रकृति के संबंध और विवाह में संबंध, दोनों में उन्होंने
सुप्रीम कोर्ट में जब वेलुस्वामी बनाम पट्टचमई एक साउथ के हैं उनके संदर्भ में जब अपना निर्णय दिया उन्होंने, तो ये उन्होंने निर्णय दिया था कि किस हिसाब से हम तय करेंगे, किस प्रकार से हम तय करेंगे कि ये वैवाहिक संबंध है या ये काफी हद दर्जे तक हमें अब लिविंग संबंध से उत्पन्न जो संतानोत्पत्ति है प्राकृतिक रूप से नहीं पर कोर्ट में वैधानिक रूप से अप्रोच करने पर उन्हें कुछ ना कुछ लीगल राइट मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते हैं। मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ क्यों, क्योंकि प्राकृतिक रूप से सिर्फ और सिर्फ समाज द्वारा मान्यता प्राप्त जब हम संबंधों के प्रक्रिया के माध्यम से हम विवाह करते हैं तब बच्चों को उस विवाह से उत्पन्न बच्चों को वैधानिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, हम अभी तो ये चर्चा कर चुके लिविंग रिलेशनशिप पर, कोई भी नया जब संबंध आता है क्योंकि प्रकृति परिवर्तन, प्रकृति का नियम है परिवर्तन होते रहते हैं, तो ये जब नया कोई आती है तो कैसे आती है, मैंने ये समक्ष में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, एक थोड़ा सा विषयांतर होकर भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ, समय सीमा की मर्यादा जरूर रखूंगा मैं। अगर आपको स्मरण होगा, चलिए, कि 2013 में बिग बॉस का 7वां संस्करण आया था और उसमें एक ऐसी महिला को उन्होंने पेश किया था, मैं छोटा था उस समय, मैं इतना बड़ा नहीं था, आज इतना बड़ा हूं मेरे, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, शायद आप लोग भी इसे गौर करेंगे कि उन्होंने एक ऐसी महिला का उल्लेख या उसे इंट्रोड्यूस किया था, प्रस्तुत किया था, जिसका अमूमन हम घर में उल्लेख नहीं कर सकते थे। शायद आप समझ रहे होंगे किसकी बात कर रहा हूं मैं, पोर्न स्टार सनी लियोनी का उन्होंने उल्लेख किया था। और मुझे मालूम है कि मैं अपने परिवार में, क्योंकि मैं परंपरागत परिवार से हूं, संभवतः बहुत सारे जो यहां पे बैठे हुए हैं वे भी सनी लियोनी का उल्लेख करते तो निश्चित तौर पे उन्हें लगता, परिवार वालों को लगता है कि वो एक गाना है ना कि माँ का लड़का बिगड़ गया, मैं नाम वो शब्द नहीं लेना चाहता हूँ। तो पोर्न स्टार थी वो, अमेरिका की, भारत की मूल निवासी थी पर अमेरिका की हो चुकी है वो, तो उनको इंट्रोड्यूस किया और कैसे उस पोर्न स्टार को समाज में उन्होंने स्थापित कर दिया। आज हमें, आज मुझे आप इस मंच में सनी लियोनी का नाम लेने में मुझे कदापि संकोच नहीं हो रहा है, जबकि मुझे होना चाहिए था। ठीक है ना, तो ये है कि कैसे हमें टीवी सीरियल या बॉलीवुड हमें कुछ नए प्रक्रियाओं को जन्म देता है और उसे स्थापित करता है, पुनर्स्थापित करता है। इसी संदर्भ में मैं दूसरा उदाहरण, लिव इन रिलेशनशिप के संदर्भ में मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं जो हाल की एक घटना से प्रभावित है। आपको मालूम होगा कि जून के माह में हमारे एक युवा अभिनेता, बड़े बडिंग स्टार कहा जाता है, उन्होंने आत्महत्या करी, सुशांत सिंह राजपूत। और सुशांत सिंह राज में उसे दबाव में आके हमें स्वीकृति प्रदान करनी पड़ी। तो ये है, अब लिव इन रिलेशनशिप में उपस्थित तक है, अब वो उजागर हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे परंपरागत जो मूल्य और मानदंड है उसमें, अगर क्योंकि भारत में हिंदू मुस्लिम ईसाई तीनों ही परंपरागत परिवार है, परंपरागत समाज है, तो इन्हें इस चीज, इन बिंदुओं पे महत्व देना पड़ेगा, इन परिवर्तनों पे महत्व देना पड़ेगा। एक और उदाहरण उसके बाद में आगे बढ़ूंगा कि ब्रूक बॉन्ड ने 21 मई 2015 को एक अपना एडवर्टीजमेंट लॉन्च किया था जिसमें लिव इन रिलेशनशिप को उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज करने की संस्थागत करने की कोशिश की थी। ये बहुत छोटे स्तर पे लिव इन रिलेशनशिप मौजूद था उस समय और कैसे उन्होंने उसे पूरे भारत भर में आरोपित करने की कोशिश की, एक चेष्टा करी कि माँ बाप, उनका बच्चा बड़े शहर में रहता है, माँ बाप अपने बच्चे के जन्मदिन में आते हैं, सरप्राइज देते हैं, दरवाजा खटखटाते कहते हैं बेटा जन्मदिन की मंगल कामनाएं, हम सरप्राइज देना चाहते थे इसलिए बता के नहीं आए। और लड़का जब माँ बाप और तीनों अंदर आते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की रेस्ट करते हुए बाहर निकल रही है और माँ इससे पहले बोलती है कि बेटा उम्र हो गई विवाह कर के लिए, हम लड़की ढूंढ रहे हैं, और उसी समय उस लड़की का पदार्पण होता है। उस अच्छी होती है कि हृदय परिवर्तन हो जाता है, बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। पर फिर से महत्वपूर्ण बिंदु, ये सब माध्यम की चर्चा है, जब हम समाजशास्त्र में बात करेंगे तो ये माध्यम की चर्चा है। और
मार्गन के सिद्धांत को भी आपने हमें बहुत सरलता से समझा दिया है। समाजशास्त्र के जितने भी हमारे प्राध्यापक हैं और हमारे विद्यार्थी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, ये सब उनके लिए एक बहुत बड़ी जानकारी है। इसके अलावा आपने इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पर भी हमारे सामने उल्लेख किया है। समाज और बच्चों पर कुठाराघात आप मानते हैं इस लिंग रिलेशनशिप को, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात मुझे लगी कि रिलेशनशिप विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो आपने जो शब्द दिया है, ये वास्तव में ये एक प्रकार से लिव रिलेशनशिप को पूरी तरह से उसकी व्याख्या करता है। और मनु भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप, मैं पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहता हूँ कि आप हमारे छत्तीसगढ़ के ही सपूत हैं और एक युवा समाजशास्त्री हैं। आप कभी इनसे मिलेंगे और चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी सोच कहाँ तक जाती है। और हर विषय पर मैं आज भी, कभी कोई बात आती है तो मैं ज़रूर डॉक्टर मनु गौरा से चर्चा करता हूँ, भले मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन मुझे किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर में चर्चा करने में कोई संकोच नहीं होता। मेरे रिसर्च स्कॉलर के लिए भी जब कभी कोई बात आती है, कहीं पर मुझे कोई परेशानी होती है, तो मैं बेधड़क उनको फ़ोन लगाता हूँ और मैं उनसे चर्चा करता हूँ। अगर किसी के मन में विचार हो तो आप तुरंत एक दो लोग अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं लास्ट कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर। थैंक यू। नमस्कार सर, क्षमा चाहूंगा, एक प्रश्न पूछना है सर से। स्वागत सर, मेरा नाम अक्षय भारद्वाज है, मैं बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में मैं हिंदी का छात्र हूं। सर मेरा प्रश्न था कि हम लोग ऐसी सामाजिक संरचना कैसे बना सकते हैं कि हम लोग जो ये पाश्चात्य संस्कृति है इसको ना अपना कर अपनी जो सामाजिक संस्कृति है उसके, हम लोग आज़ादी का मतलब ये समझ ले रहे हैं कि जैसे वो लोग जी रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप में, हम भी वैसे ही जिए। हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसकी आज़ादी कुछ अलग होगी, हम और उनकी जो सामाजिक संस्कृति है उसकी आज़ादी कुछ अलग होगी। हम उनको क्यों फॉलो कर रहे हैं? हमारे मूल्य कुछ अलग होंगे, हमारे अपेक्षा में आज़ादी का अर्थ कुछ और होगा, परंतु हम कहीं ना कहीं उनको ये बोलते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा क्यों करें, हमें भी ऐसी आज़ादी चाहिए, हमें भी यही नियम चाहिए। हम उनके नियम क्यों मान रहे हैं, हम अपने नियमों को क्यों छोड़ रहे हैं? तो हम ऐसी सामाजिक संस्कृति कैसे बना सकते हैं जिससे हम अपने मूल्यों की तरफ जाएं, ना कि उनसे सीखें हम? सर इसका क्या निवारण हो सकता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, उन्मुक्त संबंध, इसे हम उन्मुक्त संबंध का ही एक स्वरूप मानते हैं, लगभग थोड़ा अधिक स्थायी उन्मुक्त संबंध है ये। मैं क्यों इस टर्मिनोलॉजी नामावली का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी व्याख्या करी थी, रिलेटिवली स्टेबल रिलेशनशिप हो, ठीक है ना। मतलब उनने भी ये नहीं माना, उनने माना कि भाई, क्योंकि बहुत सारे मैं कुछ और भी इससे जोड़ूंगा कि हमारी परंपरा में भी इस प्रकार के संबंधों को महत्व दिया गया है, ऐसा नहीं है। फौजिया मैडम ने चर्चा भी करी थी नाता प्रथा, ठीक है ना, चूड़ी प्रथा राजस्थान में देखने को मिलता है कि आपको अगर कोई पसंद आता है तो आप दूसरा विवाह होता है, प्रथम विवाह नहीं, ये दूसरा विवाह है, आप चूड़ी पहना के ला सकते हैं। चलिए, ये एक उन्मुक्त संबंध है। उन्मुक्त संबंध कब स्थापित होता है? मैं थोड़ा सा समाजशास्त्र में जाना चाहूंगा कि देखिए, हम और आप अगर समाजशास्त्र के मूल में जाएं तो आदमी ऐसा व्यवहार क्यों करता है जैसा कि वह कर रहा है, यही अगर हम समझ गए तो समझिए समाजशास्त्र हमने पूरी पढ़ ली। क्यों करता है? क्योंकि हम नियमों से बंधे हुए हैं। नियम कौन से? समाज के नियम। अब देखिएगा, ये जो प्रक्रियाएं हैं लिविंग रिलेशनशिप की, वो कहाँ देखने को मिलती है? वे उन स्थानों में ज्यादा देखने को मिलती है, इनकी प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सच रिलेशनशिप इज इन दोज प्लेसेस वेयर सोशल नॉर्म्स आर वीक। दिल्ली जाइए, बड़े शहरों में जाइए, पड़ोसी नहीं जानता कि कौन है, पड़ोस पड़ोस का कोई आपसे क्या कहते हैं कि दबाव का कोई आपका संबंध नहीं है, ठीक है ना। वहां पे आप उन्मुख संबंध स्थापित कर सकते हैं, वन नाइट स्टैंड खूब चलते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो
हमें कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि नॉर्म्स में ह्रास हो रहा है, गिरावट आ रही है, तो हमें इस प्रकार के संबंधों को बढ़ावा मिलता है। देखिए, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी और हमारे कई साथी भी बैठे, फिजिक्स का एक सिद्धांत है कि हर वस्तु हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाती है जब तक आप उसे प्रयास करके उठाए नहीं। और ठीक मूल्य भी ऐसे ही है, मानदंड भी ऐसे ही है, नियम कानून भी ऐसे ही है कि अगर आप उसे अनुपालन करने में उसे आप क्या कहते हैं चेष्टा के साथ नहीं करेंगे तो वो भी गिरता जाएगा। और यही एक कारण है कि हमारे समाज में मूल्य व्यवस्था में ह्रास हो रही है, और इस मूल्य व्यवस्था में ह्रास होने के कारण इस प्रकार के संबंध हमें देखने को मिलते हैं। अब प्रश्न, मूल प्रश्न फिर से आ रहा है कि कैसे मूल्य व्यवस्था स्थापित हो। तो अभी आपने अगर देखा होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम जब परंपरागत इतिहासों की जब चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारे परंपरागत इतिहास का भाग नहीं है लिव इन रिलेशनशिप, तो हमें जब हम परंपरागत इतिहास की चर्चा करेंगे, हम अपने अपने गौरवशाली इतिहास की चर्चा करेंगे, तब हमें एक नए प्रकार से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स की व्यवस्था देखने को मिलेगी कि भाई भारत में इस प्रकार के संबंध को तो हमने स्वीकृति प्रदान की ही नहीं है, इसलिए हमें उसे अपनाने में भी और दूसरों को स्वीकार करने भी कहीं ना कहीं बंधन महसूस होगा, और यही बंधन है जो उन्मुक्त संबंधों को रोकेगा। हम व्यक्तिगत तौर पे भी इसको देखते हैं, हम नोज डिगिंग बाथरूम में रह के करते हैं, सार्वजनिक तौर पे नहीं करते, क्यों? क्योंकि सार्वजनिक में कोई दूसरा देखेगा, बिल्कुल यही मूल्य की पुनर्स्थापना होगी और निश्चित होगी, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी में इसको महत्व दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के उन्मुक्त संबंधों का जो एक माया जाल फैलाया जा रहा है बॉलीवुड के माध्यम से, कुछ संबंधों को उसे नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी कह के फैलाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे आपके अंदर जब हम वैल्यू सिस्टम डेवलप करेंगे तो हमें रोकने में सहायक होगा। महेश भाई चलिए आगे बढ़िए। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस टॉपिक पर आपने बहुत ही अपने सारगर्भित बोधन से हम सभी को लाभान्वित किया। आपने समूह विवाह, एक विवाह, एकल विवाह, साथ ही चक्री सिद्धांत जिसमें हम विभिन्न स्टेज में परिवर्तन के दौर से गुजरते हैं, इसकी चर्चा करते हुए इस टॉपिक के प्रकार या आकार सभी की चर्चा की, आप से हम सभी लाभान्वित हुए। आपका धन्यवाद करते हुए मैं आज के इस सत्र के जो अंतिम वक्ता हैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर श्रीमती उषा किरण अग्रवाल, जो कि विषय के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर प्रकाश डालेंगी, आप आर्ट्स एंड कॉमर्स गर्ल्स कॉलेज देवेंद्र नगर में प्राचार्य के पद पर सुशोभित हैं। इससे पहले आप लंबे समय तक दुग्धाधारी बजरंग महाविद्यालय में मनोविज्ञान विषय के हेड के रूप में कार्य कर चुकी हैं। आप की आपका जो अनुसंधान का क्षेत्र है वो पर्सनैलिटी है। अनेक रेप्यूटेड जर्नल्स में आपके विभिन्न शोध पत्र प्रकाशित हैं। आपने किसी महाविद्यालय में पहली बार सेंटर फॉर ह्यूमन स्टडीज लाने का श्रेय आपको प्राप्त है। जेंडर विषय पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत भी आपके द्वारा की गई। आपने विभिन्न टॉपिक पर 100 से अधिक वर्कशॉप का आयोजन किया, और जिसमें से 15 डेज का FDP प्रोग्राम भी सम्मिलित है। आप ICSSR नई दिल्ली, UGC, CG गवर्नमेंट आदि विभिन्न जो संस्थान हैं उनसे एड लेकर के उनके एड से बहुत सारे रिसर्च का काम आपने किया है। मैं आपको इस टॉपिक के मनोवैज्ञानिक पहलू पर प्रकाश डालने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं मैडम उषा किरण अग्रवाल। मैडम अग्रवाल आप सादर आमंत्रित। क्या ये विजिबल है सर? हाँ जी मैडम, बिल्कुल।
महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य को मेरा सादर अभिवादन। एस्टीम्ड स्पीकर्स जिनको अभी मैंने सुना उनको भी मैं अपना अभिवादन प्रेषित करती हूँ, और जितनी भी एस्टीम्ड फैकल्टी यहाँ पर ज्वाइन की है उनको मैं अपनी नमस्ते प्रेषित करती हूँ भी। और अब प्रेजेंटेशन शुरू करूँगी कि स्वतंत्रता के मायने छूट नहीं है। आज का जो टॉपिक है लिव इन रिलेशनशिप कोहैबिटेशन, जिस पे काफ़ी सारी चर्चा हुई, इस बात को मैं जोशी सर के इस बात से शुरू करूंगी कि हमारे पौराणिक काल में 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। यहाँ जो गंधर्व विवाह है वो लगभग लिव इन या कोहैबिटेशन जैसा है। गंधर्व विवाह लव और पैशन पर आधारित है, साइकोलॉजिकली प्रेम और जुनून पर आधारित है, और ये एक ऐसा विवाह है जहाँ एक युवक और एक युवती बिना सामाजिक अनुमति के साथ साथ रहने के लिए तैयार होते हैं। इस तरह के विवाह के उदाहरण हैं। जो जो भारतीय परिदृश्य में समय बदला तो ना जाने के झरोखे से एक पाश्चात्य संस्कृति अंदर आ गई और हमने उसे देखा भी नहीं। इसका सबसे क्रूशियल एपिसोड, सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हुई इस पाश्चात्य संस्कृति के अंदर आने से, वो है लिव इन रिलेशनशिप या कोहैबिटेशन, जिसके अपने अलग फीचर्स हैं, अपनी अलग विशेषताएं हैं जिनको हम यहाँ हाईलाइट करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक कोहैबिटेशन में स्त्री और पुरुष मैरिज तक नहीं पहुंच पाते हैं, और इन दिनों ये देखने में आ रहा है कि ऐसे रिश्तों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कोहैबिटेशन या लिव इन रिलेशनशिप कितना भी आप मॉडर्न हो जाइए, सामाजिक और नैतिक रूप से यह उचित नहीं। इसके वैधानिक पक्ष पे फौजिया जी ने काफ़ी लंबी और सुंदर बातचीत की, वहाँ तक हम नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन के साथ लेजिटिमेसी में परिवर्तन आया, बहुत सारी इलेजिटिमेट बातें लेजिटिमेट हो गई, अवैधानिक चीज़ें वैधानिक मान ली गई। अगर हम प्रेम के इमोशन को देखें तो प्रेम एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसा संवेग है जो रंग रूप जाति प्रजाति लिंग और अन्य सभी बातों से परे रहता है, और कोहैबिटेशन या लिव इन केवल और केवल प्रेम की एक खोज है, एक्सप्लोरेशन है कि क्यों ना मैरिज के बजाय एक ज़्यादा इजी मेथड अडॉप्ट कर लिया जाए जिसे हम कोहैबिटेशन या लिव इन कहते। सवाल ये है कि लिव इन क्या है, बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि लिव इन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो अविवाहित युवा जो विवाहित नहीं होते लेकिन विवाह के तरह रिश्ते में रहते। यूं कह लीजिए मनोवैज्ञानिक रूप से ये वॉक इन वॉकआउट रिलेशनशिप है, जब मर्जी है अंदर आ जाइए, जब मर्जी है बाहर चले जाइए, कोई लीगल बॉन्ड इसके लिए नहीं। दोनों ही पार्टी स्वतंत्र हैं, ये रिश्ता हर दिन इसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, प्रतिदिन इसके इसकी शर्तें बदलती हैं, और कोई आइदर और पार्टी जो है इसे छोड़कर जा सकता है बिना ये सोचे कि दूसरे का डिस्कम्फर्ट का लेवल, बेचैनी का स्तर क्या है। इसकी सीमाओं को यदि हम देखें तो जैसा कि फौजिया मैडम ने बताया, जैसा कि मनु सर ने बताया, किसी तरह का लेजिस्लेशन भारत में नहीं। माननीय न्यायालय जो न्याय करती है वो केस से केस में भिन्न भिन्न होता है, हर एक केस में जो न्याय का स्वरूप है वो बदल जाता है। पूर्व में भी लिव इन हुआ करते थे लेकिन उनका नाम थोड़ा सा डिफरेंट था, वो थे मैत्रेयी करार और गंधर्व विवाह, जहां दो दोस्त एक युवक और एक युवती जीवन भर साथ रहने के लिए, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए मैरिज जैसी संस्था में ना प्रवेश कर एक करार करते थे जिसे हम मैत्रेयी करार कहते हैं।
अगर हम टैबूज को देखें, सामाजिक निषेध को देखें, तो स्त्रियों को हम पारंपरिक भूमिकाओं में देखना चाहते हैं, उसे एक माँ और पत्नी के रूप में देखना चाहते हैं। जेंडर पे काफी सारा कार्य मैंने किया है, तो मैं ये देखती हूँ कि स्त्री का जो परसोना है वो तभी अच्छा समझा जाता है जब वो एक माँ और एक पत्नी के रूप में दिखाई पड़ती है। तब ऐसी दशा में हमारा समाज और हमारे समाज की जो साइकी है, जो मनोविज्ञान है, वो इसे बहुत ज्यादा इसकी आलोचना करती है और इसे स्वीकार नहीं करती है। और भी यदि हम टैबूस को देखें तो सबसे बड़ी बात, जैसा मनु सर अभी बता रहे थे कि समाज का कोई औपचारिक परमिशन इसे प्राप्त नहीं है। विवाह की तरह, विवाह के रूप में, विवाह जैसे संबंधों में एक स्त्री और पुरुष ने रहना शुरू कर दिया, ना ही पारिवारिक अनुमोदन है, ना ही सामाजिक अनुमोदन है, तो ये भारतीय परिदृश्य में क्या जायज है? नहीं, ये अभी भी एक टैबू है। अभी कई वर्ष लगेंगे हमें ये स्वीकार करने में। हमारा जो साइकी है, वो जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस हम माँ के गर्भ से लेकर आ रहे हैं, वो यही मानता है कि एक स्त्री की पारंपरिक भूमिका होनी चाहिए। और कई रिश्तों में, जैसा कि अभी प्रोफेसर मनु ने बताया, कि इसका अंत अच्छा नहीं होता और बड़ा दुखद होता है। क्यों जरूरत हुई लिव इन की, क्या जरूरत है? ऐसा देखा गया कि एक जोड़ा प्रेम तो करता है और विवाह भी करना चाहता है, लेकिन अभी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि विवाह कर लिया जाए, तो एक सरल सहज विकल्प हमें मिलता है कि क्यों ना हम लिव इन में या कोहैबिटेशन में चले जाएं। ज्यों ज्यों समाज में परिवर्तन हुआ, तो आपने देखा कि एडवांसमेंट के साथ साथ अरेंज मैरिज पहले माता पिता किया करते थे, फिर ये पहुंचा लव मैरिज तक, और अब ये हालत हो गई है कि लिव इन या कोहैबिटेशन को युवा ऑप्ट करने लगे। इसके लिए जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी का नितांत अभाव होता है। विवाह जैसे जिम्मेदारी लिव इन में नहीं हो सकती, प्रोफेसर मनु अभी बता रहे थे। लैक ऑफ कमिटमेंट, एक भागीदारी, एक कमिटेड रिलेशनशिप इसमें नहीं होता है। और जब भी आप सामाजिक ढांचे को चैलेंज करेंगे तो उसका नुकसान आपकी साइकी पर होगा, क्योंकि ना केवल आपकी साइकी पर, जॉइंटली भी ये संपूर्ण समाज को डिजीज या एक रोग दे देगा, जो कि एक तरह का मानसिक रोग है। किसी भी तरह से लिव इन मैरिज का अल्टरनेटिव या मैरिज का विकल्प नहीं है। भारत में यदि हम देखें तो इस पे काफी सारी चर्चा फौजिया मैम ने की है कि कोर्ट क्या करती है ये मेरा इशू नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि कोर्ट इसे मैरिज की तरह मान लेती है, और ऐसा इसलिए करती है कि लंबे वर्षों तक युवक और युवती कोहैबिटेशन में रह चुके। माननीय न्यायालय ने मेंटेनेंस अलाउंस और यहां तक कि बालक के इनहेरिटेंस की भी व्यवस्था की है। सिविलाइजेशन के साथ साथ हमने अनेक बातों को सीखा, बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया, जिसमें फैमिली रिलेशनशिप, लेकिन परिवर्तन जो आया वो फैमिली रिलेशनशिप में आया, पारिवारिक संबंधों में आया। किसी एक कम्युनिटी में, कम्युनिटी का नाम मैं लेना नहीं चाहूंगी, किसी एक कम्युनिटी में एक स्त्री पर उस कम्युनिटी के संपूर्ण पुरुषों का अधिकार होता है, लेकिन कम्युनिटी के बाहर ये अलाउड नहीं है। जब से ह्यूमैनिटी या मानवता का प्रादुर्भाव हुआ है, तब से विवाह एक अत्यंत पवित्र बंधन माना जाता रहा है, और जेनरेशन से, पीढ़ियों से हम ये मानते आ रहे हैं कि विवाह जैसा कुछ नहीं। अगर हम इसके साइकोलॉजिकल व्यूज को थोड़ा देखें तो विवाह क्या है? विवाह एक बहुत ही एक्सक्लूसिव यूनियन है, एक बहुत पवित्र रिश्ता है, लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक ये है कि पुरुष स्त्री के मन, स्त्री की इच्छा और स्त्री के शरीर पर रूल करना चाहता है। मैक्स वेबर की परिभाषा को हम यदि देखें तो विवाह कुछ नहीं बल्कि सानिध्य संबंधों की शुरुआत है, और ये जो विवाह है वो बहुत सारे इनहेरिटेंस और संपत्ति पर पैतृक अधिकार को भी डिसाइड करता है।
भारत में पारंपरिक विवाह बहुत पुनीत माना जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, दोज हु कैन सैक्रिफाइस शुड एंटर, दोज हु कैन नॉट शुड नॉट। वे लोग ही विवाह नामक संस्था में प्रवेश करें जो त्याग कर सकते हैं, अन्यथा आपके यहाँ होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह केवल और केवल टॉलरेंस यानी सहनशीलता पर आधारित होता है। कि टॉलरेंस की मात्रा, सहनशीलता की जो मात्रा विवाह में होगी, वो लिव इन में, कोहैबिटेशन में हो ही नहीं सकती। शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी जोशी सर ने बताया, अभी मनु सर ने बताया, फौजिया मैम ने बताया, और हमने देखा कुछ प्रश्न भी किए, अक्षय जी के प्रश्न बहुत ही शानदार थे, कि जिम्मेदारी का बिखराव यहाँ हो जाता है और हम स्पाउस को जैसे जिम्मेदार मानते हैं, पति या पत्नी को जैसी जिम्मेदारी देते हैं, वैसे हम अपने लिव इन पार्टनर को नहीं दे सकते। विवाह भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जो समाज के अनेक लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता है और एग्जीक्यूट किया जाता है, और लोग उसको वैलिडेट करते हैं कि हाँ अब आप पति और पत्नी। तो पीढ़ियों से हम ये देखते आ रहे हैं कि विवाह के कुछ सिद्धांत हैं और उसे हमें फॉलो करना होता है। इसके विपरीत ऐसी बातें कोहैबिटेशन में नहीं देखी जा सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। तो अब हमने जब ये मान लिया कि कोहैबिटेशन विवाह का विकल्प है, तब हमने ये भी सोचा कि क्यों ना विवाह से पहले हम कोहैबिटेशन में चले जाएं। इस तरीके से यूथ की साइकी में परिवर्तन हुआ। कई जगहों पर जो युवा पीढ़ी है वो विवाह को एक बर्डन या एक बोझ मानती, कि अभी फिलहाल हम विवाह नहीं कर पा रहे हैं, कमिटमेंट हम नहीं कर पाएंगे किसी प्रकार का, तो क्यों ना एक सेवियर की तरह, एक रक्षक की तरह हम लिव इन में चले जाएं या कोहैबिटेशन में को ऑप्ट कर लें। तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट शब्द यहाँ पे बहुत उपयुक्त नहीं है कि लिव इन रिलेशनशिप के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स की चर्चा यहाँ की गई, लेकिन प्रचलित भाषा में इसे साइड इफेक्ट कहा जाता है। कि पहली बात ये है कि क्या हमारा समाज इतना एडवांस हो गया है कि हम विवाह पूर्व सानिध्य संबंधों को अनुमति देते हैं, या क्या विवाह एक ऐसी संस्था है जहां सानिध्य संबंधों को लीगलाइज किया जाता है। ये दो प्रश्न हैं आपके विचार मंथन के लिए। घर पर बैठकर इसे सोचिएगा। अब जरूरी बात यह है कि ऐसे बच्चों की पैदाइश जो कोहैबिटेशन से होती है, जो लिव इन से होती है, उसका अस्तित्व क्या है? ठीक है, आपने उन्हें मेंटेनेंस दे दिया, उन्हें शिशु होने का अधिकार दे दिया, लेकिन जब ऐसा बालक या बालिका समाज में मूवमेंट करता है, तो मूवमेंट करने के साथ साथ उससे ये प्रश्न पूछा जाता है कि तुम्हारे माता पिता तो हैं पर वो आपस में पति पत्नी नहीं, और ये उसके बाल मन को बहुत ब्यूटली प्रभावित करता है और उसके लिए आगे का रास्ता बहुत ही अवरुद्ध हो जाता है। अब जो हमारे भारत का जो अर्बन पार्ट है, जो शहरी भाग है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वहाँ ये चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन आज भी अगर हम छोटे शहरों में देखें तो ये वाली जो कोहैबिटेशन वाली जो चीज़ है वो हमें इतनी दिखाई नहीं पड़ती। तो एक और हम ये सोचते हैं कि विवाह हमारा एक सोशियोमैट्रिक स्ट्रक्चर है, कि उस स्ट्रक्चर से एक साइकी डेवलप हुआ, उस साइकी से एक परंपरा विकसित हुई, उस परंपरा से एक संस्कृति विकसित, और हम यानी आप देखिए कि अगर हम लिव इन या कोहैबिटेशन को प्रमोट करते हैं तो हमारा संपूर्ण सोशल फैब्रिक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में आ जाता है और हमारा जो युवा है वो दिग्भ्रमित हो जाता है, और एक समय ऐसा आएगा कि नहीं कर पाएंगे कि ये जो समाज है या कोहैबिटेंट है क्या बात है, इसको हम किस तरीके से रिलेट करें, ये प्रॉब्लम हमें आ सकती है। अभी आप देखिए इस फिगर में आप देख पा रहे हैं
कि कोहैबिटेशन के लिए युवा जो तर्क देते हैं वो है गेटिंग अलोंग, कि मैं पहले रह के देख लेता हूँ कि वेदर आई एम गेटिंग अलोंग और नॉट, मैं इसके साथ निभा पा रहा हूँ या नहीं, ये खांचे बने हुए हैं कि इस खांचे में यही खांचा फिट होगा। तो कॉम्पेटेबिलिटी कि मैं एक लड़की के साथ फिट हूँ या नहीं, एक लड़के के साथ फिट हूँ या नहीं। तो 21वीं शताब्दी में जब चेंज आया सोसाइटी में, तो सोसाइटी में चेंज के साथ युवा में भी परिवर्तन आया, उनके मन में परिवर्तन। मैं अभी कोविड काउंसलिंग सेल में भी कार्य कर रही हूँ, तो मैंने देखा है कि माता पिता बच्चों से डरते हैं, बच्चों ने माता पिता से डरना बंद कर दिया। तो हमने उन्हें फ्रीडम दिया कि जाइए अपना पार्टनर चूज कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं और हमें लगता है कि हमारा बच्चा हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो हमने उन्हें पार्टनर चूज करने की स्वतंत्रता दे दी। तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसी लड़की या ऐसा लड़का जो मेरे साथ अनुरूपता स्थापित कर सके, जो मेरे साथ कॉम्पेटिबल हो, जो मेरे साथ एडिक्वेट हो, उसको मैं पहले रह के देखूंगा, कोहैबिटेंट बन के देखूंगा, और उसके बाद अगर वो सुटेबल होगी या सुटेबल होगा तो मैं उससे विवाह के लिए बात आगे करना चाहूंगा। हिंदू रीति रिवाजों में जो पारंपरिक विवाह है वो एक ऐसा प्रत्यय है, वो तब से लागू है जब से हम अस्तित्व में आए। तो अभी किसी एक्सपर्ट ने कहा कि मैन एंड वुमन, स्त्री और पुरुष की जो अवधारणा है वो कब तक चलेगी? एक जो बालक है या बालिका है बाहर जाके क्या कहेगी कि मेरे माता पिता स्त्री पुरुष हैं, मैन एंड वुमन है, मैन एंड लेडी है, तो इसका क्या इम्पैक्ट उसके मन पर होगा? उसके साथ ही उसका पीयर प्रेशर क्या होगा? उसके साथ जो लोग खेलते हैं वो लोग क्या कहेंगे? इन सब बातों पर भी विचार करना जरूरी है। यहाँ बात लेजिटिमेसी की नहीं, यहाँ बात है उसके परसोना। हम सभी अपने इर्द गिर्द एक ऑरा लेकर चलते हैं, एक परसोना लेकर चलते हैं कि हम जब कहीं पे प्रवेश करते हैं तो हमारा ऑरा क्या होगा, हमारा परसोना क्या होगा। तो जैसे ही वो बच्चा किसी पीयर ग्रुप में जाएगा तो लोग कहेंगे देखो ये मैन एंड वुमन का जो बच्चा है वो आ रहा है। तो ये स्टेज पे भी हमें विचार करना होगा। अब यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी है जो मैं बताना चाहूंगी कि हम अपने चॉइस से अकेले रहना नहीं चाहते। 5-10% उन दिनों की बात है जब मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में पढ़ा करती थी, तो मुझे किसी ने श्रीमती पुकारा। तो उन दिनों आरमाइटी देसाई वहां पर यूजीसी की डायरेक्टर हुआ करती थी, चेयरपर्सन हुआ करती थी, उन्होंने कहा कि किसी को श्रीमती या सुश्री कहना आपको नहीं चाहिए क्योंकि ये उसकी पर्सनल चॉइस है। तो अगर कोई पर्सनल चॉइस से अकेला रह रहा है तो ये उसकी चॉइस है, लेकिन अगर वो कोहैबिटेशन में जाना चाहता है तो हम उसे रोक नहीं सकते। लेकिन आगे हम क्या कर सकते हैं इसकी चर्चा हम अगले स्लाइड में करेंगे। अक्सर हमने पढ़ा है कि रिश्ते जीवन को उद्देश्य देते हैं और आज की युवा इसी बात से प्रभावित है कि अगर रिश्ते उद्देश्य देते हैं तो क्यों ना उद्देश्य वाले रिश्तों में प्रवेश किया जाए। अभी एक पेरेंट मुझे बता रहे थे कि उनके युवा लड़के ने अपने स्टेटस में डाला है इन अ रिलेशनशिप और तब से वो रात भर सो नहीं पा रहे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं, तो मैंने उन्हें बताया कि ये इस बात का परिणाम है कि रिलेशनशिप गिव अ मीनिंग एंड पर्पस टू लाइफ। अगर हम रोमांस की बात करें तो वहां फ्रेंडशिप नहीं होता, लिव इन फ्रेंडशिप नहीं, क्योंकि लिव इन में रोमांस भी है, लविंग है, केयरिंग। वो कैसा होना चाहिए? लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, सपोर्टिंग होना चाहिए। तो ये फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा है, जहां सानिध्य संबंध भी है। तो प्रेम बिना पंखों के नहीं होता। तो ये ठीक है कि उसे सोशल रिकॉग्निशन मिल जाएगी, लीगल रिकॉग्निशन मिल जाएगी, मैरिज में भी ऐसा सब होता है, लेकिन मैरिज में लिबर्टीज भी है, स्वतंत्रता भी है और साथ साथ अवरोध भी है। लेकिन जो कोहैबिटेशन है वो इन दोनों के बीच का फिनोमिनन है। अब हम ये देखें कि लिविंग या कोहैबिटेशन का डाउनसाइड क्या है। तो हम पाएंगे कि एक जो सोशल प्रेशर, एक सामाजिक दबाव जो होता था वो अब समाप्त हो गया। और आप जानते हैं, फिर मैं इसे थोड़ा रिलेट करना चाहूंगी कि सामाजिक दबाव मानकों को स्थापित करता है, मानक साइकी बनाते हैं,
मानक परंपरा बनाते हैं, मानक कल्चर को निर्मित करते हैं, और ऐसा समाज जहां मानक ना हो उसका क्या हाल होगा आप जानते हैं। तो ये जो सोशल प्रेशर है वो समाप्त हो गया, और हम साइकोलॉजी में ये मानते हैं कि जो भी मानक से अलग है वो विचलित है, डेविएटेड है, उसे हम डेविएशन की कैटेगरी में डालते हैं। ये अलग बात है कि लेजिस्लेशन क्या है, ये अलग बात है कि हम एडवांस्ड हैं, हम फॉरवर्ड हैं, हम प्रोग्रेसिव सोचते हैं, इन सब के बावजूद तो ये नॉर्म से हटकर व्यवहार है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, और इसलिए ये डेविएशन है। और बैंक वाले जहां भी भागीदारी कम होगी, जहां भी कमिटमेंट कम होगा, वहां स्प्लिट टूट जाने के आस। फिर अभी मनु सर ने बताया कि अगर विवाह में कोई समस्या होती है तो बहुत सारी बातें होती हैं, परिवार के लोग, मित्र लोग, साथी, ये सभी बैठकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब वो चाहे कोई भी समस्या, लेकिन लिव इन रिश्तों की, कोहैबिटेशन रिश्तों की जो पैदाइश होती है, जो संतान होती है, वो लगातार लीगल बैटल्स में उलझी होती है। और एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ सोशियोलॉजिस्ट, या एक नॉर्मल पेरेंट होते हुए भी हर आदमी, हर व्यक्ति ये जानता है कि लीगल बैटल्स का बच्चों पर क्या प्रभाव होता है। एक रोल कंफ्यूजन, एक भूमिका भ्रम, एक नहीं होने का एहसास उन्हें हो जाता है। एक नेशन वाइड सर्वे हुआ, अभी किसी ने एक सवाल पूछा था चैट बॉक्स में, मैं देख रही थी, 2001 में नेशनल मैरिज प्रोजेक्ट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, परसों तक थोड़ा तैयार भी हो जाता हूं। वो ये कहता है कि तमाम युवा लोगों ने ये कहा कि ऐसे विवाह से क्या मतलब जहां निभ नहीं रही। तो पहले हम निभा कर देखें, पहले हम ये देखें कि हमारी कॉम्पेटिबिलिटी है कि नहीं, और कॉम्पेटिबिलिटी को टेस्ट करते हुए भले ही हमारा ब्रेकअप हो जाए, उसका हमारी साइकी पर जो प्रभाव हो इसको हम बॉदर नहीं करते, लेकिन अगर हमारा गेटिंग अलोंग होगा तो हम विवाह करेंगे, नहीं तो इसको हैबिटेशन को यही समाप्त कर देंगे। आप जानते हैं कि कमिटमेंट मानवीय संबंधों का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पहलू, जटिल, दुर्बल होते हैं, टूट जाते हैं। ये देखा गया कि वे कपल्स जो विवाह के पहले को है, और यही नहीं, ऐसे जो कपल्स होते हैं वो नए रिश्तों के लिए बड़े ओपन, साइकोलॉजिकल इफेक्ट कहते हैं। ये एक नेगेटिव आउटकम है कि इनका जो लाइफ सेटिस्फेक्शन है, मैरिटल सेटिस्फेक्शन है, वो कम रहेगा। अनुसंधानकर्ताओं ने ये पाया है कि कोहैबिटेशन इफेक्ट वाले लोग कम कन्वेंशनल होते हैं, कम रूढ़िवादी होते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि अगर सामाजिक ढांचे को बचाना है, अगर आपको एक ग्रुप साइकी को, कलेक्टिव अनकॉन्शियस को आपको बचाना है तो जरूरी है, कितने भी आप प्रोग्रेसिव हुए, लेकिन कन्वेंशनल या रूढ़िवादिता, या यूँ कह लीजिए परंपराओं से जुड़े रहने की योग्यता आप में होना चाहिए। और कोहैबिटेशन में रहने वाले कपल्स डिवोर्स के लिए ओपन रहते हैं, उनके डिवोर्स रेट बहुत हाई होते हैं। अनुसंधानकर्ताओं ने यह भी पाया है कि स्त्री और पुरुष इसे टेस्ट मानते हैं, इस रिश्ते को टेस्ट की तरह मानते हैं कि अगर थोड़े दिन हमें कोई कमिटमेंट, कोई भागीदारी को पोस्टपोन करना है तो क्यों ना हम कोहैबिटेशन में चले जाएं, या क्यों ना हम लिव इन में थोड़े दिन रहें। ये भी बहुत जरूरी बात है कि ये जो कपल्स होते हैं जो कोहैबिटेशन में रहते हैं, अगर विवाह करते हैं तो वहां भी ये लेस कमिटेड रहते हैं, इनके कमिटमेंट का लेवल कम रहता है। और ये भी देखा गया है कि ऐसे पति या पत्नी जो हम अपने स्पाउस से, जो हम अपने पति या पत्नी से उम्मीद रखते हैं, ऐसी उम्मीद लिव इन पार्टनर के साथ नहीं रहती, क्योंकि अक्सर ये कहते सुना गया है ये लिव इन पार्टनर है, इज नॉट माई हस्बैंड, ये मेरा पति नहीं है, या ये मेरी पत्नी नहीं। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, जो ह्यूमन एक्सपेक्टेशन है, वो लोअर हो गया। अब आप सोच लीजिए कि किस तरीके से उसने आपके ह्यूमन सिस्टम को, आप पति या पत्नी से प्रत्याशा ही कम हो गई, और वहां भी आप एक लिव इन पार्टनर की तरह रह रहे हैं। अभी किसी बच्चे ने ये सवाल किया था कि 7.5 मिलियन लोग आज की डेट पर विश्व स्तर पर लिव इन में
या कोहैबिटेशन में रहे। 1960 में ये संख्या 450,000 थी। और सबसे अद्भुत बात क्या है आपको बताना चाहूंगी कि इन्होंने कहा, इनसे पूछा गया कि आप लिव इन, क्योंकि बिल देने में सुविधा होती है, हम लोग आपस के बिल शेयर कर लेते हैं और विवाह की तरह रह भी लेते हैं। अब वे माता पिता जिनके घर की के युवा लोग लिव इन में चले गए हैं, कोहैबिटेशन में चले गए हैं, उनकी भी जरा आप सोचिए कि उनके पास तो उनका जो फ्यूचर जनरेशन है वो समाप्त हो गया है, वो उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, घर से निकलना बंद कर दिया है, उनका सोशल स्टेटस बुरी तरह प्रभावित हो गया है, क्योंकि अब वो किस मुंह से कहेंगे कि मेरा जो बालक या बालिका है या मेरा जो युवा है मेरे घर का वो कोहैबिटेशन में रहता है। तो ये तो एक समस्या हुई। और एज अ कोहैबिटेंट अगर आप माता पिता बनते हैं तो आप माता पिता हैं लेकिन पति पत्नी नहीं। और आउट ऑफ वेडलॉक बिना विवाह के जो संतान होती है उसके बारे में लेजिटिमेट, विद ड्यू रिगार्ड्स टू फौजिया मैम, मैं यहाँ लेजिटिमेट होने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि उसका स्टेटस ये कैसे वो लोगों में मूव करेगा, कैसे अपना रिकग्निशन एस्टेब्लिश करेगा, किस तरीके से लोगों से बातचीत करेगा, उसके बालक मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी परसोना कैसी होगी, ये सोचना भी हमारा दायित्व होता है। तो बच्चे के लिए कहा जाता है, मुझ पर भी, मेरे पास भी कुछ काउंसलिंग आती है तो मैं ये बताती हूँ कि बच्चों के साथ ओपन रहिए, बच्चों को सारी बातें बताइए। तो एज ए पेरेंट मैं आपको ये कहना चाहूंगी, चाहे कितने भी प्रोग्रेसिव हैं आप, कितने भी फॉरवर्ड हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि हर रिश्ते के प्रो एंड कॉन्स को बच्चों को बताएं, उन्हें एजुकेट करें, उनको बताएं कि समाज का अप्रूवल मैटर करता है, फैमिली का अप्रूवल मैटर करता है, आपस का अप्रूवल मैटर करता है। और ये सारी बातें जो अनुमोदन पर आधारित हैं, जो स्वीकृति पर आधारित हैं, अगर ना हो तो इससे हमारा सामाजिक ढांचा प्रभावित होता है। और जब सामाजिक ढांचा प्रभावित होता है तो हमारा साइके, हमारा ट्रेडिशन, हमारा कस्टम, हमारा सोशल कल्चर, सारी बातें प्रभावित होती हैं। उन्हें कन्विंस करना है आपको कि जो ट्रेडिशन, जो कल्चर, जो परंपरा बनी है, जो संस्कृति बनी है, उसे अक्षुण रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, टू लिव एंड टू लेट लिव। तो मैं एक प्रश्न आपके विचार मंथन के लिए मैं छोड़ रही हूँ कि माता पिता अक्सर बच्चों से कहते हैं कि हमने ज्यादा दुनिया देखी है, हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, और जो आप सोचते हो उससे कहीं ज्यादा हम आपको बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे उन्हें एजुकेट करना है। और इसके साथ साथ ये भी बताना है कि अगर ऐसे ही परिवार हो जाएंगे जो कोहैबिटेंट होंगे, ऐसे ही परिवार हो जाएंगे जो लिव इन में रहते हैं, तो व्हाट अबाउट अदर्स? फिर फैमिली की परिभाषा आपको बदलनी होगी। विचार मंथन के लिए ये प्रश्न आपके पास छोड़ रही हूँ, मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा स्लाइड डूब गया है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इस टॉपिक के मनोवैज्ञानिक पहलू पर काफी अच्छा प्रकाश डाला। हमारे जो समाज के मानक हैं उनको स्थापित करने की चर्चा भी आपने की, कैसे परिवार को बच्चों के साथ सभी चीजें शेयर करना चाहिए, उनका अप्रूवल होना चाहिए आदि, इस टॉपिक के सभी पहलुओं पर आपने प्रकाश डाला। मैं अग्रवाल सर को आमंत्रित करूंगा। सर आप कुछ नहीं, ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन अगर मैडम को करना चाहे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि मुझे उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का अवसर दिया। कोई प्रश्न? प्रणाम मैम, प्रणाम मैम, मैं अपनी दृष्टता के लिए माफी चाहूंगा, मेरा एक प्रश्न है, मैं बार बार प्रश्न पूछ रहा हूँ। असल मैम, जैसा कि हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक तौर पे देखें, अगर हमारे समाज में, हमारी भारतीय संस्कृति में देखें, दो लोग कोई रह रहे हैं, और पाश्चात्य संस्कृति में देखते हैं अगर दो कोई लोग रह रहे हैं, वो बहुत बिजी उनका शेड्यूल रहता है, वहां पर हम देखते हैं मेरे दोस्त जैसे फ्रेंड कुछ रह रहे हैं कनाडा वगैरह में, तो वो लोग लिविंग में रह रहे हैं, तो उनकी कुछ अलग
परिस्थितियां और हम भारतीय संदर्भ में देखते हैं अगर इसे, जैसे कोई एक लड़का और एक लड़की है रहने के लिए आ रहे हैं एक साथ, और उसके बाद वो जैसे अपने सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जैसे पिज्जा की फोटो लेके डालते हैं और लिखते हैं उसमें गुड फूड, पर हम देखें तो अपनी भारतीय संस्कृति की नजरिए से मैंने एक बार ट्राई भी किया था कि वो उसे स्वान भी नहीं खाता है, और जबकि वो इतने दिन से मतलब अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं तो उस माँ की रोटियों को उनने कभी गुड फूड नहीं बोला। तो इसमें हम ये नहीं देख सकते कि जो हमारी भारतीय संस्कृति के ये लिविंग वाले बच्चे हैं, तो मैंने देखा है कि बड़े बड़े वैचारिक जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं, मैं भी मनोविज्ञान पे थोड़ा मनोविज्ञान और साहित्य पर पढ़ रहा था, तो मैंने देखा था वो लोग भी मनोरोगी थे, तो क्या हम इनको मनोरोगी की श्रेणी में डाल सकते हैं, क्या हम क्यों नहीं मान सकते कि इन्हें? अच्छा मैं नहीं कहना चाहूंगी, देखिए आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैम मैं एमए हिंदी साहित्य में। तो एक्चुअली क्या है, देखिए जो हमारे अबनॉर्मल साइकोलॉजी या साइकोपैथोलॉजी में जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो स्टैंडर्ड्स ये बताते हैं कि ऐसी कोई भी बात जो मानक से हटकर है वो डेविएशन है ना, और जब भी कोई डेविएटेड बिहेवियर को आप फॉलो करते हैं तो आपको स्ट्रेस होता है, आपको तनाव होता है, और उस तनाव को ओवरकम करने के लिए आप बहुत सारा एड्रेनालिन सिक्रीट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो एक ऐसा हार्मोन है जो स्ट्रेस में सिक्रीट होता है। तो मुझे ये लगता है कि अगर हमें कोई एक ऑप्शन ईश्वर ने दिया है तो हमें डेविएशन की ओर क्यों जाना चाहिए, हमें मानक जो स्थापित है, क्योंकि देखिए केवल यहाँ मानक या सामाजिक या साइकोलॉजिकल प्रेशर की बात नहीं है, बात क्या है कि ये पूरे एक के बाद एक सारे फिनोमेनन को प्रभावित करता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने उसने गुड फूड कहा, क्यों कहा, क्या साइकी है, वो लोग क्यों रह रहे हैं, आप उनसे क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अक्षय जी कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ आप तादात्म्यकरण कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपको इस घटना ने इतना इन्फ्लुएंस क्यों किया है, लेकिन मैं ऐसा एज अ साइकोलॉजिस्ट मानती हूँ कि जब कोई रिश्ता टूटता है या ब्रेकअप होता है तो उसके प्रो कम और कॉन्स ज़्यादा होते हैं, दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसा कि प्रोफेसर मनु बता रहे थे, जैसे फौजिया जी बता रही थी, जैसे जोशी सर बता रहे थे, ये बात कन्वेंशनल या रिजिडिटी की नहीं है, बात ये है कि जो मानक है उसको सोच समझ के स्थापित किए गए। तो बार बार जैसे मैंने कहा कि कोहैबिटेशन इफेक्ट जिसमें होता है वो कम कन्वेंशनल होता है, वो बार बार डिवोर्स ले लेता है, बार बार वो रिश्तों के लिए फ्री होता है, वुमनाइजर हो जाता है, या बहुत सारे उसके रिलेशनशिप हो जाते हैं। तो आप मेरा फ़ोन नंबर भी ले लीजिए अक्षय बेटे, और आप मुझसे बात में भी बात कर सकते हैं, उम्मीद है मैंने आपके सवाल का जवाब दिया होगा। हेलो हेलो जी उषा, बहुत अच्छा किया तुमने। देखो सबसे पहली बात क्या है कि सोशल सिस्टम कम हो गया था, तुम इतने शताब्दी एक्सप्रेस की बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था, स्टार्ट भी बहुत अच्छा किया, पूरे पॉइंट्स कवरेज किए। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहती हूँ कि कोई भी प्रथाएं जो है वही चल के आगे कानून का रूप लेती है, और स्वस्थ परंपराएं रहेंगी तो स्वस्थ समाज होगा। आज इस लॉकडाउन की दीदी प्रथा जो है ना कलेक्टिव साइकी है ना, साइकी है ना, एक थॉट है, एक थॉट प्रोसेस है, एक वैचारिक प्रक्रिया है जो आगे जाके प्रथा में परिणत होगी। हर प्रथा के पीछे एक साइंटिफिक आधार है, एक वैज्ञानिक आधार है, एक साइकोलॉजिकल बेसिस है। जी बताए। नहीं मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आज देखो आज हमारे सोसाइटी में पूरे सोशल सिस्टम में ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी पूरी जड़ें अपनी सांस्कृतिक विशेषता के साथ हैं, ठीक है। विवाह संस्था अगर अस्तित्व में आई है तो जरूर कहीं ना कहीं किसी कॉन्सेप्ट को लेके आई होगी, और अगर हम इसमें ये वाली चीज लेती है तो जो बात तुमने कही वो बहुत सही है कि जो आगे जनरेशन होगी वो भी प्रभावित होगा। सारा परिवेश जो है वो एक ऐसे मानसिकता के बीच में जिएगा जो सिवाय तनाव के और कुछ नहीं रहेगी, और ये तनाव हमारे व्यक्तित्व को दूषित करेगा। तो हमारे जो नैतिकता है, हमारी मॉरेलिटी, हमारा वैल्यू सिस्टम जो है इस तरह की परंपराओं के साथ बहुत आहत हो रहा है,
और उसका परिणाम हम अपने बच्चों को अच्छा नहीं देंगे। इसलिए हम अपने बच्चों के अंदर या आने वाली पीढ़ी के अंदर अगर हम बताएं कि लिव इन रिलेशनशिप के क्या प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं और ये व्यवस्था के विरुद्ध क्यों है, क्योंकि उसका तार्किक रीजन बताएं कि इसकी ये वजह है। सुचित्रा मैम, आज जो युवा पीढ़ी है वो गलत बातों को वैलिडेट करती है। जैसे अभी एक युवा अक्षय जी मुझसे सवाल कर रहे थे, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को देखना ही क्यों, आपके पास इतने अच्छे रोल मॉडल्स हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो मैरिज नामक संस्था पर यकीन करते हैं। आफ्टर ऑल जो लोग कोहैबिटेशन में रहते हैं दे ऑल्सो वॉन्ट stability of some kind, क्योंकि cohabitation is a not a stable relationship. तो हमें ऐसी बातों को validate करने की ज़रूरत है। इसीलिए ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? परिवार में इसमें आपको वो बीज डालना पड़ेगा, क्यों क्या? तो इसके लिए पकड़ हमको लगाम बनानी पड़ेगी कि हमको उनको खुला भी छोड़ना है और उनके ऊपर लगाम भी रखनी है, तो शायद ऐसी स्थिति कम निर्मित होगी। परिवर्तन तो हो रहे हैं पर ये लॉकडाउन में बहुत अच्छे से बात समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ। जी जी हाँ, नमस्ते उषा किरण मैडम। मैंने आपको सुना, रियली बहुत अच्छा था आपका लेक्चर, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था आपका। और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहती हूँ। मैंने सेम वर्कशॉप आप अटेंड की थी रायपुर में, तब मैंने आपको सुना। सर को धन्यवाद दिए मेरी ओर से। अग्रवाल सर को तो धन्यवाद भी पहले दे चुकी हूँ, शुभकामना भी दे चुकी हूँ, पर्सनली उनसे। मेरा क्वेश्चन ये है, बाद में आपसे कहना चाह रही हूँ कि हम इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में है ना, हम हमारा मतलब ये नहीं है कि हम फेवर में नहीं है रिलेशनशिप के, ना ही हम उसके विरोध में है। हम अपनी बात ये कहना चाह रहे हैं कि जब इस दौर में जहाँ पूरी सब कल्चर मिक्स हो रहे हैं, हम वेस्टर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं कि हमें नहीं देना चाहिए, हम गाल भी फुलाना चाह रहे हैं, हंसना भी चाह रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाना भी चाह रहे हैं और अपने बच्चों को पकड़ के भी रखना चाह रहे हैं। अब जब बच्चा अपना 12th के बाद बाहर हो जाता है, भले ही वो देश में है या विदेश में है, हमारा कंट्रोल कितना है, ठीक है, पारिवारिक बंधन अपनी जगह है, तो जब मित्र मंडली में वो रहता है तो फिर वो आपको पता होगा कि जैसे अलग टाइप कुछ बच्चे जिनको बहन भी कहा जाता है लड़कियों को कॉलेज में, समझ रहे ना, जो बहुत ज्यादा आपको कल्चर इतना प्रभावित क्यों करता है? नहीं, मैं ये नहीं बोली, मैंने पहले कह दिया कि मैं बुराई वाली बात बुराई का जवाब दीजिए कि आपको वेस्टर्नाइज क्यों होना है? क्यों नहीं बना रहे हम आप हम नहीं बना रहे क्या? वेस्टर्नाइज होना दो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग बातें हैं, बट जो बात कर रहे हैं उस पर विचार ही ना करें। कैसे पॉसिबल है? यही तो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि कैसे पॉसिबल है। आपके बच्चे आपकी 12th क्लास से बाहर चले गए, बाहर पढ़ रहे हैं, वहां का माहौल देख रहे हैं, कैसे इतना मतलब जो हम चाह रहे हैं कि इसको जकड़ के रखेंगे, पॉसिबल ही नहीं मैडम। जब जॉइंट फैमिली सिस्टम था, देखिए एक चीज जो ट्रेडिशन और जो कन्वेंशनलिटी है ना वो इनबिल्ट होती है, बाय डिफॉल्ट बच्चों के पर्सोना में होनी चाहिए है ना, कि वो बाय डिफॉल्ट उसके लिए कोई रिफ्रेश बटन वैसा नहीं है कि आज हमने उसको सेट कर दिया। वो तो बचपन से जब वो बड़ा हो रहा है, नेचर एंड नर्चर की बात आप जानते हैं, प्रकृति और पोषण। इसमें एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी कि एक ऐसी ऐसा विवाह हुआ जिसमें पत्नी जो थी वो कहना चाहिए एक प्रोस्टिट्यूट थी, ड्यूक्स वंश की बात बता रही हूँ मैं, और ड्यूक्स जो थे वो एक लंपट अपराधी थे। उनके 7 generation 7 पीढ़ियों का अध्ययन किया गया तो लड़कियां सभी लूज मॉरल्स की निकली और लड़के सभी चोर निकले। तो ये या तो ये हेरिडिटी है या ये पोषण है, नर्चर है। तो माता वॉट्सन कहते हैं कि मुझे आप 6 बच्चे दीजिए, आपके चॉइस का मैं उन्हें इंसान बना दूं, तो यूं ही बना दूंगा। बात सही है, बड़े व्यवहार के पर्यावरण का असर होता है। पर्यावरण बिल्कुल अलग चीज है साधना जी, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण की बात भी करेंगे। सामाजिक पर्यावरण की मैं बात कर रही हूँ, जैसा आपके आसपास का एटमॉस्फेयर होगा उसका असर नहीं आएगा क्या? सामाजिक पर्यावरण की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, घर के पर्यावरण, घर उसे पर्यावरण नहीं कहेंगे, उसे कहते हैं पोषण। पोषण तो है, पोषण तो ठीक है। एक माता पिता एक मिनट सुनिए मुझे, लिबरल 6 दिन से बच्चा घूम रहा है, पता ही नहीं है पेरेंट्स को कि बच्चा कहाँ है। और परमिसिव पेरेंट एक है, अथॉरिटेरियन पेरेंट,
यहाँ हो, यहाँ बैठ, यहाँ खड़ा हो, यहाँ चल, इस हाथ से खा, और एक होता है दोनों का बैलेंस। बिल्कुल बैलेंस, टू परमिसिव नॉट टू ऑब्स्ट्रक्टिव, बिल्कुल बैलेंस की जरूरत है, वही मैं कह रही हूँ। और इसके साथ कोई बात माननी है, कोई जकड़ना जो है, जकड़ना इज नॉट अ गुड वर्ड, जकड़ना जो है वो बिल्कुल, वो तो जकड़ना है ही, क्योंकि आफ्टर ऑल देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो परसोना पे होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसके पालन पे होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हेरिडिटरी पे होती हैं, और कुछ बातें डेस्टिनी पे भी होती हैं। उसी बैलेंस की जरूरत है ना। हाउ यू इन बैलेंस एज अ पेरेंट, अभी क्या हो गया है, देखिए अभी एक प्रोफेसर हैं जिनके बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनको मैं टेलीफोन काउंसलिंग करती हूँ, तो वो बता रही हैं कि वो देखिए दिन में जो 18-22 घंटे वो पबजी खेलता है, और पबजी खेलने में वो खाना भी नहीं खाता। तो यहाँ पर पबजी वो क्यों हो गया, इस बात पे विचार करना है। साइकोलॉजिस्ट ने आपका कोई बिहेवियर गलत है, वो ये कहता है कि कारण क्या है गलत बिहेवियर, फर्स्ट यू हैव टू रूल आउट द कॉज, कि व्यवहार की गलती का कारण क्या है, किस कारण से। तो कहीं ना कहीं पेरेंटल जो है, हम तो ये मानते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट कि बालक सब अच्छे होते हैं, पेरेंट्स गलत होते हैं। पेरेंट्स की जिम्मेदारी जाता है, राइट। पेरेंट जो है अब एक 3 साल की बच्ची जो है उसको मेरी स्टूडेंट, मेरी अपनी स्टूडेंट, मेरी PhD स्कॉलर रिफ्रेशर कोर्स में डाली है DPS में एडमिशन के लिए, सोचिए, वो शी इज ओनली 3 years, तो कितना दबाव है उसके ऊपर, मनोवैज्ञानिक दबाव। आप ये देखिए, क्या हमारे माता पिता ने कभी रिफ्रेशर कोर्स में हमें भेजा था, हमने तो कान ऐसा छू लिया और हमारा एडमिशन हो गया। तो वो बहुत सिंपलिसिटी, पर मैडम यही तो मैं कह रही हूं, अभी पॉसिबल नहीं है ना, कान छूने से एडमिशन नहीं होगा, अभी नहीं होगा, अभी ये पॉसिबल नहीं है। एज अ पेरेंट आप इतना एक्सपेक्ट क्यों करती हैं अपने बच्चे, आपको ठीक है ना, बहुत बढ़िया, उन्हें देखिए विन विन सिचुएशन में रहिए, आई एम ओके व्हेन यू आर ओके, है ना। पेरेंट्स और बच्चों के बीच यही रिश्ता होना चाहिए, विन विन। माता पिता ये ना सोचे मैं ओके हूँ और वो ओके नहीं, संतान ओके है और आप ओके हैं तो अच्छा नहीं है ना। आपका सिचुएशन ऐसा होना चाहिए कि आई एम ओके व्हेन यू आर ओके, है ना। ठीक है, क्या करिएगा उसके ओके होने तक, आपको ओके होना पड़ेगा, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि कोहैबिटेशन के जो, ये तो बहुत छोटा सा प्रेजेंटेशन है, इस पे तो 3 दिन बात की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैडम, वेरी नाइस, बहुत धन्यवाद सर जी। सर जो मेरे संवेदनशील मुद्दे हैं, ये कोई ऐसी ज्ञापित करती हूँ, महाविद्यालय के प्राचार्य का अशेष धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, नमस्कार। धन्यवाद मैडम। मैं प्रतिभागियों के लिए सूचना देना चाहूंगा कि हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं, इन्होंने जो अपना व्याख्यान दिया है, उनके व्याख्यान को और आप अपने विचार को यदि एक पेज में MS वर्ड में अगर आप टाइप करके आप हमारे पास भेजते हैं हमारे व्यक्तिगत व्हाट्सएप में, और जो 50 स्तरीय लेख होंगे उनको हम एक बुक फॉर्म में छपवाएंगे, ऐसा हमने अपने प्राचार्य महोदया से परमिशन ली है। और अगर इच्छुक जितने भी प्रतिभागी हैं वो अपना लेख हमारे पास भेज सकते हैं। आप, हमने पूरी कोशिश की है कि जिस टॉपिक को लेकर हमने ये वर्कशॉप आयोजित किया था वो उसी रूप में हमारे सामने आए, जो जिन उद्देश्यों को लेकर हमने इसको आयोजन किया, और आप लोगों ने इसको बड़ा धैर्य से सुना है, और आपको ये लगा होगा कि वास्तव में इस प्रकार के टॉपिक पर इसी प्रकार की चर्चा की आवश्यकता थी। और मैं उषा किरण मैडम का तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको दूंगा, क्योंकि शुरू में मैडम ने मुझे मना भी कर दिया था, लेकिन मैंने विशेष आग्रह करके मैडम को तैयार किया कि नहीं आपको बोलना ही है मैडम। कंफर्टेबल नहीं थी सर शब्दावलियों के साथ। नहीं मैडम, आपने बहुत लगा, पर मैंने उसे बहुत डिस्टेंस बता दिया है, अपने विचार रखे हैं।
अब मैं बहुत अच्छी शब्दावली का प्रयोग किया भाई, बहुत अच्छी। अब मैं डॉक्टर एम के पांडे सर को आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सर। फौजिया मैडम, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। मनो सर, जोशी सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। सभी सभी निश्चित रूप से सभी को सुन के हम सबको बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे पार्टिसिपेंट्स भी लाभान्वित होंगे, उन्हें भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म आज मिला। मैं आईटी एक्सपर्ट श्री मनीष गुप्ता जी से निवेदन करूँगा कि वो फीडबैक फॉर्म भी डाल दें। कुछ डिमांड हो रही है अभी 2:30 के बाद से। और मैं अब अंत में हमारे सभी उपस्थित जो आज के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर अरविंद जोशी, डॉक्टर फौजिया मिर्जा जो लीगल एक्सपर्ट थी, डॉक्टर मनु गौराहा समाजशास्त्री विक्रम यूनिवर्सिटी, डॉक्टर उषा किरण अग्रवाल मनोवैज्ञानिक, इन सबका अपने इस विद्वत्पूर्ण उद्बोधन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए मैं हमारे महाविद्यालय के साथी प्राध्यापक, महाविद्यालय के कर्मचारीगण, हमारे तकनीकी विशेषज्ञ मनीष गुप्ता, इन सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने काफ़ी रुचि से, यहाँ पर जो संख्या बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, काफ़ी अच्छी संख्या दर्ज है हमारे पास, तो इन्होंने काफ़ी अच्छी संख्या में रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, इन्होंने इस टॉपिक को सुना। आशा है कि इसका आगे अच्छा उपयोग होगा, भविष्य में इस पर अच्छी चर्चाएं होंगी, आगे इस टॉपिक पर काम होगा। उन सब का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने महाविद्यालय के जो एमए समाजशास्त्र के सभी छात्र छात्राएं हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, महाविद्यालय के कर्मचारीगण उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा आभारी हूँ कि हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का, उन्होंने इस टॉपिक को लाया और हमारे हम सबको इस पर चर्चा करने के लिए हमारे जो साथी हैं उनको आमंत्रित किया। प्राचार्य डॉक्टर ज्योति रानी सिंह का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उनके नेतृत्व में ही यह कार्यक्रम संपन्न हो पाया। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक आभार, महाविद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद। सर और कोई चर्चा रह गई? सर अग्रवाल सर, नहीं बस, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मैडम को, सर को, जोशी सर को विशेष तौर पर, आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया। फौजिया मिर्जा मैडम तो मैंने चर्चा की और उन्होंने तुरंत हाँ भर दी, बोले आप बताइए मुझे क्या करना है, और तत्काल उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो गौरा जी ने भी तुरंत, हमने कहा और उनको, उन्होंने कहा कि भैया आप ये सब टॉपिक आप खोज के कहाँ से लाते हैं। मैंने कहा कि भैया ये सब चीज़ें दिमाग में जब आती है तो हम उसको मूर्त रूप देना चाहते हैं, और मैं तो ये मान के चलता हूँ, मैं तो डॉक्टर एन के गौरा सर का स्टूडेंट रहा हूँ, और मैं ये भी कहूँगा कि इस जो आज की चर्चा से हम तीन प्रकार की PhD पे कर सकते हैं, हम लीगल एस्पेक्ट पे भी PhD कर सकते हैं, सोशल एस्पेक्ट पे कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे कर सकते हैं, और इसके अंदर भी अब अगर हम घुसेंगे तो बहुत सारे अनुसंधान इसके बारे में किए जा सकते हैं। तो हमारी ये उम्मीद है कि आप लोग इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फीडबैक फॉर्म जैसा कि पांडे सर ने, हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने उनसे कह दिया है, वो तुरंत अभी डाउनलोड कर देंगे, आप लोग उसको भर के भेजिए। और मैंने जो सूचना दी है, अगर आप अच्छा लेख लिखकर हमारे पास भेजते हैं और हमारी समिति अगर उसको उम्दा पाती है, स्तरी पाती है, तो हम निश्चित रूप से उसका प्रकाशन अच्छे बुक फॉर्म में करेंगे, क्योंकि हमने सरोगेट मदरहुड के ऊपर में भी पहले हमने उसमें किया है, बहुत सारे लेख हमारे पास आए थे, तो हमने उसकी प्रोसीडिंग भी बनाई थी, और उसके अलावा उस पर हम, मेरे और डॉक्टर एन के गौरा मेरे गुरुदेव के साथ, मुझे मेरी एक किताब भी है जिसको कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर पार्टिसिपेंट्स के पास एक गिफ्ट के तौर पर भेजूँ। उनका आप अपना एड्रेस भी मेरे तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर, माननीय प्राचार्य महोदय की अनुमति से, उनकी अनुमति से इस कार्यक्रम के समापन की आप अनुमति देना चाहें सर? मैडम, मैडम से लीजिए ना, मैडम प्रिंसिपल मैडम से। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी मैडम, मैडम आपकी अनुमति से इस कार्यक्रम की यहीं पर समापन की घोषणा करते हैं, आपकी अनुमति मिल गई। धन्यवाद सर, आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आप लोग को भी बधाई सर, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया, रियली ये टॉपिक और बढ़िया ऑर्गेनाइज, आप ऑर्गेनाइजिंग पूरी टीम को बधाई, प्रिंसिपल मैडम को बधाई। थैंक यू मैडम, थैंक यू ऑल ऑफ ऑर्गेनाइजर्स सर, रियली एंड होप फॉर सिमिलर टाइप ऑफ ग्रेट टॉपिक्स वेबिनार इन फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अग्रवाल जी सब बहुत अवसर प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पेशेंट भी सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी, फिर आपको दूसरे किसी टॉपिक में याद करेंगे मेरे भाई, ज्वलंत टॉपिक में आप लोग ज्वलंत टॉपिक ही लाते हैं, और इसे बोलते हैं अहेड ऑफ टाइम है, क्योंकि उस समय तो कानून नहीं बना था और आप ले आए थे, और अभी भी कानून की प्रक्रिया तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही चल रहा है अभी, और आप ले आए। देखिए हमारा जो कार्यक्रम रहा पूरा डबल टाइम लिया है, और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने बड़े ही धैर्य के साथ सबको सुना है, ये बहुत अच्छी बात, चर्चा हुई सर, एक अच्छी चर्चा हुई सबके बीच में, सब लोगों ने, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने काफी अच्छी चर्चा की, लोगों ने काफी धैर्य से सुना कि मनीष गुप्ता जी के सौजन्य से आज हम इस कार्यक्रम को पूरा मूर्त रूप दे पाए हैं, दिन रात उन्होंने मेहनत की है, और फिर हमारे कॉलेज में एक नहीं कई वेबिनार और वर्कशॉप, तो निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं, और सभी सभी एक्सपर्ट भी सो काइंड ऑफ यू, कांग्रेचुलेशंस, सभी एक्सपर्ट ने भी लोगों को, सभी लोगों ने भी एक्सपर्ट को बहुत सराहा है, और हम बिल्कुल सर हमारे स्क्रीन पर बिल्कुल सर, आप तो आमने सामने मिलकर के सुनने की इच्छा हो रही है, बिल्कुल, अगर एक्चुअल में सर मैं इसको फिजिकल रूप में ही चाह रहा था, लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते हम इसको मूर्त रूप दे नहीं पाए, और मैं दो दिन का चाहता था, मैंने आपसे अब चर्चा भी की थी कि मैं सेमिनार को वर्कशॉप को दो दिन का करना चाहता हूँ, लेकिन समय अभाव के कारण और कॉलेज की व्यस्तता के कारण और तमाम चीज़ों के चलते हम इसको दो दिन नहीं दे पाए। लॉकडाउन का मज़ा तो आया सर, लेकिन आमने सामने हम लोग होते तो बहुत अच्छा होता। जी जी जी, हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है भैया, सबको सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ए ग्रेट टॉपिक फॉर टुडेज वर्कशॉप। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मनीष जी, मनीष गुप्ता जी, जी सर, मनीष, हेलो मनीष जी सर, मनीष जी, हाँ हाँ, कार्यक्रम आपने फीडबैक हो गया, हाँ फीडबैक फॉर्म सबको हो गया है, यूट्यूब में भी चला गया है, और गूगल मीट और जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें सभी में भेज दिया गया है सर, और मनीष भाई फिर उसके बाद तत्काल सर्टिफिकेट भी अपन इनको भेजने की व्यवस्था करेंगे, शाम से जैसा वो है सर, 100 सर्टिफिकेट एक दिन में डिस्पर्स होने का रहता है। आपको मनीष बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने जो सहयोग किया है, कोई बात नहीं सर, आपको भी नहीं, नहीं, आपके बिना जो है ये कार्यक्रम हो ही नहीं सकता था, नहीं नहीं हो सकता था सर, और हर व्यक्ति ने अप्रिशिएट किया है, अच्छा लगता है आप लोगों के साथ काम करने में, क्योंकि मेरे सरोगेट मदरहुड के पूरे कार्यक्रम को आप ही लोगों ने इसको अंजाम दिया था एक प्लेटफॉर्म में इसको लाकर, ठीक है मनीष भाई, ठीक है, ओके, ठीक है सर, बंद ऑफ कर रहे हैं सर, ये मीटिंग ओवर, हां ऑफ कर दीजिए जी, हेलो सर, सर मुझे सॉरी सर, मेरे मुझे बिल्कुल याद नहीं आया आज की सब, मुझे असल में वो कॉल किए ना आए ना सर,
उसी समय मुझे याद आया कि मैं आज सर को समय दिया हुआ था कहके, और मुझे बिल्कुल, अरे सर मैं वो अग्रवाल सर के उसमें थोड़ा सा बिजी हो गया था सर, और उसके लिए मैं सॉरी सर, बिल्कुल मेरे को ध्यान नहीं है। अभी ये ख़त्म हुए सर, सर का वो, और कल मैं उनको परसों के लिए बोला हूँ सर उनको। हाँ हाँ ठीक है ना सर, ठीक है आप देखिए। जी जी सर, जी सर, जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी ठीक है ना सर, जी जी सर ठीक है सर।